So good morning all of you. Welcome once again the India biggest learning platform Unacademy. Good morning all of you. Welcome once again. So let's crack it. GATE and ESE with India largest learning platform Unacademy. So student, आज का जो हमारा क्लास होगा, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट बिल्डिंग मोटार पर, मोटार प्रॉपर्टी पर, मोटार टाइप पर और मोटार डिफेक्ट पर। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पॉइंटिंग वर्क, टीप वर्क को भी डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया है अबाउट टिम्बर प्रोडक्ट एंड डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, साविंग ऑफ टिम्बर को। इसके बाद हम लोगों ने आफ्टरनून की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, जो हमारे पिछले साल गेट, ईएससी और एसएससी जेई में क्वेश्चन आए हुए थे, हमने उनको भी सॉल्व किया हुआ था। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। माय डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सबसे पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपको जितने भी कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं सारे सब्जेक्ट मिल सके। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मेरा नाम अंजनी कुमार और मैं पिछले 5 सालों से डिफरेंट इंस्टीट्यूट में ESC, गेट और SSC JE की क्लासेस ले रहा हूँ। अभी तक मैंने 15,000 से एबव स्टूडेंट टीच किए हैं। इसके अलावा मल्टीपल टाइम मैंने गेट क्वालिफाई किया है। 2015 में मेरा ऑल इंडिया 467 रैंक्स था। तो ये तो बेसिकली मेरे बारे में इंफॉर्मेशन थी माय डियर स्टूडेंट। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इससे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट कि जो भी हमारी स्पेशल क्लासेज होंगी वो आपको कॉन्टीन्यूटली मिलती रहेंगी। तो अब अभी तक अगर आपने लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी स्पेशल क्लासेज हों वो आपको कॉन्टीन्यूटली विदाउट ब्रेक मिलती रहे। सो स्टूडेंट, व्हाट यू विल गेट, अनअकैडमी में आपको क्या मिलने वाला है, तो मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। यस माय डियर स्टूडेंट, डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। दैट मीन जैसा आप लोग ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ते थे, टीचर के डायरेक्ट कनेक्शन में होते थे, किसी भी डाउट और किसी भी क्वेरी को ऑन द स्पॉट क्लासरूम में आप डिस्कस कर सकते थे, वैसा ही सेम एटमॉस्फेयर आपको अनअकैडमी के इस लाइव टेलीकास्ट चैनल पर भी मिलेगा, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और आप अपने किसी भी डाउट्स, किसी भी क्वेरी को किसी एजुकेटर से डायरेक्ट ऑन द स्पॉट डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलने वाले हैं। यस, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलने वाले हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स के बारे में आपसे बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा माय डियर स्टूडेंट कि अगर आपने गेट 2020 का प्लान किया है तो आपके लिए गेट 2020 का बैच अवेलेबल है, और अगर आपने गेट 2021 का प्लान किया है तो आपके लिए जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है वो गेट 2021 को माइंड में रख के डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलने वाला है। यस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलने वाला है आपको अनअकैडमी पे। अगर मैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की बात करूँ तो डेफिनेटली हर एक जो स्टूडेंट होता है वो अपनी जब प्रिपरेशन करता है माय डियर स्टूडेंट, तो टेस्ट और क्विजेस देकर वो अपने प्रिपरेशन के वीकनेस और स्ट्रांगनेस पॉइंट को चेक करता है, और जहाँ पे वह लड़का, जहाँ पे वह स्टूडेंट अपने आप को वीक दिखता है उसमें वह इम्प्रूवमेंट लाता है। तो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको अनअकैडमी पे मिलने वाला है। आप अपने रैंक को चेक कर सकते हो और अपने रैंक को बूस्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अनलिमिटेड एसेस मिलने वाला है। दैट मीन्स अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी ऑन लाइव सेशन समझ में नहीं आया है तो आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और मल्टीपल टाइम मेनी टाइम्स वॉच कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अनअकैडमी अनलिमिटेड एक्सेस का भी ऑप्शन देता है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट मैं बात करूँ तो यहाँ पे लर्न विथ टॉप एजुकेटर, जो भी आपको एजुकेटर्स मिलेंगे उनके पास मोर देन 10 ईयर मोर देन 15 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो डिफरेंट टीचर्स आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के सर्च करने नहीं पड़ेंगे, आपको पूरी कंप्लीट फैकल्टी मिलेगी अनअकैडमी पर। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट अगर मैं गेट और ईएससी की बात करूं तो गेट और ईएससी में अगर मैं पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको 7 कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 18 कोर्सेज हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 24 कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपको डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट पैकेज मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन पैकेज 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ का दिख रहा है। तो जैसा कि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि जो 3rd ईयर और फाइनल ईयर एस्पिरेंट्स होंगे बीटेक के, वो भी गेट का फॉर्म डाल सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो उनके लिए क्या है, स्ट्रेटजी बनानी होगी 2 ईयर्स का। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 12 मंथ और 24 मंथ के पैकेज को सब्सक्राइब करिए। इसमें आप एक चीज़ और नोट करिएगा माय डियर स्टूडेंट कि देखेंगे तो आप जितने बड़े पैकेज पे जाएंगे आपको अनअकैडमी से उतना ही बड़ा ऑफर दिया जाता है। अगर मैं 12 मंथ की बात करूं तो यहाँ पे आपको 58% ऑफ मिलेगा और अगर मैं 24 मंथ की बात करूं तो यहाँ पे आपको 75% ऑफ मिलेगा। तो आप बड़े पैकेज की तरफ प्रीफर करेंगे तो आपको ऑफ ज़्यादा मिलेगा। तो इससे आपका कोई भी कोर्स इकोनॉमिकल हो जाता है। तो बड़े पैकेज को ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 12 मंथ और 24 मंथ की तरफ मूव करिए। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा प्रोमो कोड है ANJANI। इस प्रोमो कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो मैं कुछ आपको अनअकैडमी के बारे में बता रहा था। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक इट। सो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि जो आज की हमारी क्लास होगी वो हम लोग मोटार पे डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि मोटार क्या होता है, मोटार कैसे बनाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और कौन कौन से इनमें डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इसी सीरीज को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि मोटार में क्या प्रॉपर्टी और क्या फेनोमेना हमको देखने को मिल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट आप समझिएगा मेरी बात को कि अगर हम बाइंडर का यूज करें। अब बाइंडर के रूप में क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाइंडर के रूप में हम लोग यूज करते हैं या तो मड का, या तो सीमेंट का, या तो लाइम का। तो अगर हम बाइंडर के रूप में कोई भी बाइंडर यूज कर लें, मान लीजिए मैंने सीमेंट यूज कर लिया और इनके साथ मैं फाइन एग्रीगेट को ले लूँ। अब फाइन एग्रीगेट क्या होता है तो मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताया है। तो जो हमारा आफ्टरनून का क्लास होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फाइन एग्रीगेट क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट फाइन एग्रीगेट दैट मीन्स कि ऐसा एग्रीगेट जिसका साइज, जिसका पार्टिकल लेस देन 4.75 mm हो, या मैं ऐसे कहूँ कि ऐसा एग्रीगेट जो 4.75 mm सिव से पूरी तरह से सिव करने पर 90% पार्टिकल पास हो जाए, 10% पार्टिकल रिमेंस हो, तो इनको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। गुड मॉर्निंग दिलीप, वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू वेल। तो मैंने क्या देखा कि मैंने बाइंडर का यूज किया, बाइंडर के रूप में मैंने क्या यूज किया है, सीमेंट का, और इसके साथ मैंने फाइन एग्रीगेट का यूज किया। फाइन एग्रीगेट मैंने लिया ऐसे पार्टिकल को जिनके पार्टिकल की साइज लेस देन 4.75 mm थी। अब इनके साथ अगर वाटर को मिक्स कर दिया जाए माय डियर स्टूडेंट, मैंने सीमेंट ले लिया, फाइन एग्रीगेट ले लिया, और अगर इनके साथ मैं वाटर को मिक्स कर दूं तो जो मेरा एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होगा उसे हम मोटार कहेंगे। अब हमारी बात समझिएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर से क्या मतलब है। इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि जो भी आप बाइंडर और फाइन एग्रीगेट वाटर मिक्स कर रहे हो, इन तीनों का परसेंटेज, इन तीनों की वैल्यू फिक्स होगी। अगर मान लो सीमेंट को आपने 1 लिया है तो आप फाइन एग्रीगेट को 3 पार्ट रखोगे और इनमें वाटर को 40% किसकी बेस पर, सीमेंट के बेस पर या बाइंडर के बेस पर मिक्स करने वाले हो। तो आपको क्या दिख रहा है कि सीमेंट को मैंने 1 पार्ट लिया है, फाइन एग्रीगेट को 3 पार्ट लिया है, तो रेशियो क्या बनेगा, आपका कुछ ऐसा रेशियो बनने वाला है। इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1:3 के रेशियो से। अगर 1:3 का रेशियो है, दैट मीन्स 1 पार्ट हमारा बाइंडर है और 3 पार्ट हमारा सैंड है। अब सैंड में कौन सा सैंड है, ऐसा सैंड जिसके पार्टिकल की साइज लेस देन 4.75 mm हो। अब या अगर इसकी सेव एनालिसिस करना चाहें तो सेव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सेव एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि 4.75 mm से ऊपर अगर सैंपल प्लेस किया जाए और 10 टू 15 मिनट हम सेक करें तो पासिंग वैल्यू 90% मिले और रिटर्न वैल्यू 10% मिले, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। तो अगर ऐसा मिक्सचर आप तैयार करो जिसमें बाइंडर हो, फाइन एग्रीगेट हो, वाटर हो और एक प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो, प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि रेशियो इनका फिक्स हो, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम मोटार बोलेंगे। बात समझ में आ रही माय डियर स्टूडेंट कि बाइंडर मिक्स्ड विथ वाटर एंड फाइन एग्रीगेट एंड मेक अ होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज मोटार। क्लियर है? चलिए इसी में हम लोग कुछ पॉइंट को नोट कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या मोटार के बारे में इंट्रोडक्शन है। तो इसी में पहले पॉइंट को हम देख रहे हैं, क्या लिखा है, मोटार इज द टर्म विच इज used to describe the paste obtained by the addition of water in the mixture of binding material like cement or lime and aggregate like sand in definite proportion is known as mortar। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मोटार एक ऐसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें हम लोग बाइंडिंग मटेरियल का यूज करते हैं सीमेंट या लाइम के रूप में, एग्रीगेट का यूज करते हैं। एग्रीगेट में कौन सा एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट जिसे सैंड बोलते हैं, और इसके साथ साथ वाटर का यूज करते हैं। जो एक मिक्सचर हमको मिलता है उस मिक्सचर को हम लोग मोटार कहते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड में आल्सो बी रिफर्ड एज मैट्रिक्स एंड एग्रीगेट यूज्ड में आल्सो बी रिफर्ड एज एडल्टरेंट। Hence, mortar is mixture चलिए तो मैं क्या कह रहा था माय डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को नोट करेंगे, द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड में आल्सो बी रिफर्ड एज मैट्रिक्स एंड द एग्रीगेट यूज्ड में आल्सो बी रिफर्ड एज एडल्टरेंट, हेंस मोर्टार इज ए मिक्सचर ऑफ मैट्रिक एंड एडल्टरेंट। अगर मैं किसी मोर्टार को बनाना चाहूँ और उस मोर्टार में बाइंडिंग मटेरियल के साथ साथ एग्रीगेट का यूज करूँ और एडल्टरेंट को मिक्स करूँ, तो इस मोर्टार को हम लोग मिक्सचर ऑफ मैट्रिक्स एंड एडल्टरेंट मोर्टार कहते हैं। पॉइंट नोट कर लीजिएगा माय डियर कि अगर किसी मोर्टार में हम मैट्रिक के साथ साथ एग्रीगेट का यूज करें और एडल्टरेंट हो एग्रीगेट में, तो इस मोर्टार को हम लोग मिक्सचर ऑफ मैट्रिक्स एंड एडल्टरेंट बोलते हैं। इसी सीक्वेंस में अगले पॉइंट को नोट करेंगे तो देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अब हम लोग नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोर्टार। एक अच्छे मोर्टार की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? तो माय डियर स्टूडेंट समझिएगा, एक अच्छा मोर्टार कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। इस सीक्वेंस में मैं पहले पॉइंट को नोट करना चाहूँगा, इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग गुड एडहेशन विथ द बिल्डिंग यूनिट्स सच एज ब्रिक स्टोन इट्स। तो एक अच्छा मोर्टार वही हो सकता है जो किसी भी बिल्डिंग यूनिट के साथ, अब ये बिल्डिंग यूनिट कौन होता है, बिल्डिंग यूनिट में हम लोग कंसीडर करेंगे स्टोन को और ब्रिक को। तो एक अच्छा मोर्टार वही होता है माय डियर स्टूडेंट जो बिल्डिंग यूनिट के साथ एडहेशन की प्रॉपर्टी मेंटेन रखे। तो अगर एडहेशन की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो बिल्डिंग यूनिट होंगे, बिल्डिंग यूनिट में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टोन की बात कर रहा हूँ, ब्रिक की बात कर रहा हूँ, तो बिल्डिंग यूनिट आपस में बंधे रहेंगे। तो अच्छे मोर्टार में एडहेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगले पॉइंट को नोट करिएगा, इट शुड बी केपेबल ऑफ डेवलपिंग द डिजाइंड स्ट्रेसेस। अब इस पॉइंट को समझिएगा माय डियर कि एक अच्छा मोर्टार वही हो सकता है जो किसी वाल में या कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करने के बाद जितना उस कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेस आ रहा है, जितना कंस्ट्रक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसको बिना फेलर हुए बियर कर सके। अगर मोर्टार स्ट्रेस बियर कर रहा है तो इसको एक अच्छे मोर्टार की प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिएगा इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, इट शुड बी केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर कि अगर आपने किसी मोर्टार को कंस्ट्रक्शन या वाल में अप्लाई किया है तो जब उस वाल या कंस्ट्रक्शन पर रेनफॉल होने लगे, वर्षा होने लगे, तो वर्षा का पानी, रेनफॉल का वाटर सीप ना करे, इंटरनल पार्ट में ना आए, किसी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय ना करे। इसके लिए एक अच्छा जो मोर्टार होगा उस रेन वाटर के पेनिट्रेशन को आसानी से रजिस्ट करेगा। अगर कोई भी मोर्टार रेन वाटर के पेनिट्रेशन से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है, तो यह एक अच्छे मोर्टार की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। इसका मतलब आपका मोर्टार रेन वाटर के पेनिट्रेशन को रजिस्ट नहीं कर पा रहा है और वह लीन मोर्टार है, उसके प्रॉपर्टी को इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। इसी सीक्वेंस में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे माय डियर, इट शुड बी चीप। मतलब एक अच्छा मोर्टार सस्ता भी हो और उसमें क्वालिटी मेंटेन भी हो। मतलब महंगे मोर्टार को, बहुत महंगे मोर्टार को हम लोग प्रीफर्ड इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको कंस्ट्रक्शन को इकोनॉमिकल भी बनाना है। तो एक अच्छा मोर्टार हमेशा सस्ता होना चाहिए, इट शुड बी चीप। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी ड्यूरेबल, मतलब एक अच्छा मोटार जो हो माय डियर वह ड्यूरेबल हो, मतलब लॉन्ग लाइफ चले, उसकी जो एज हो वह ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि मैंने मोटार आज लगाया और 3-4 साल बाद मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो कोलैप्स कर गया। तो एक अच्छा मोटार लॉन्ग लाइफ चले, ड्यूरेबल हो। इसी सीक्वेंस में अगले पॉइंट को नोट करिएगा, इट शुड बी ईजली वर्केबल, मतलब एक अच्छा मोटार जो होना चाहिए माय डियर वह वर्केबल होना चाहिए। वर्केबल से मतलब क्या है कि अगर कोई मेसन मोटार को स्प्रेड करना चाहे, मोटार को जॉइंट में फील करना चाहे, या मोटार को बाहर सरफेस पर फिनिश के लिए लगाना चाहे, तो आसानी से फैल सके बिना किसी रजिस्टिंग के, विरोध के, उसको आसानी से फैलाया जा सके। अगर मोटार को आसानी से फैलाया जा सकता है तो इसको ईजली वर्केबल मोटार में कैलकुलेट किया जाएगा और यह एक अच्छे मोटार की प्रॉपर्टी होगी। इसी में हम लोग अगले पॉइंट को नोट करेंगे, इट शुड नॉट अफेक्ट the durability of materials with which it comes into contact। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, कि एक अच्छा मोटार कभी भी किसी भी मटेरियल के कांटेक्ट में आने पर उसके ड्यूरेबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई मोटार किसी बिल्डिंग यूनिट के कांटेक्ट में आने के बाद, अब ये बिल्डिंग यूनिट कौन से है माय डियर, मैंने आपको पहले ही बताया, तो ब्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ और स्टोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक अच्छा मोटार किसी भी बिल्डिंग यूनिट के कांटेक्ट में आने पर अपने प्रॉपर्टी, अपने ड्यूरेबिलिटी के बिहेव में चेंजेस ना करे, तो उसको एक अच्छे मोटार के प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये मैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ गुड मोटार के बारे में बता रहा था। आई होप आपको क्लियर होगा। एनी डाउट्स, अगर कोई डाउट्स है तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसी सीक्वेंस में अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या क्या है। अब हम बात करेंगे मोटार के यूजेज के बारे में, कि किसी मोटार का यूज कहाँ पर करते हैं। इस पॉइंट को नोट करेंगे माय डियर, कि मोटार का यूज कहाँ पर किया जाएगा। अब देखिएगा कुछ पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, टू बाइंड द बिल्डिंग यूनिट सच एज ब्रिक स्टोन इट्स। तो मोटार का यूज हम लोग बिल्डिंग यूनिट को बाइंड करने के लिए करते हैं, बांधने के लिए करते हैं। अब यह बिल्डिंग यूनिट हो सकता है ब्रिक, स्टोन, टाइल्स, कोटा, मार्बल, इन सब को बांधने के लिए हम लोग मोटार का यूज करते हैं। इसके अलावा देखिएगा इनका यूज कहाँ किया जाएगा, टू कैरी आउट पेंटिंग एंड प्लास्टर वर्क ऑन एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ मेसनरी। मतलब मोटार का यूज एक्सपोज्ड सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस पर भी किया जाता है। किसके लिए हम लोग एक्सटर्नल सरफेस पे करते हैं माय डियर, तो अगर प्लास्टर वर्क करना हो या पेंटिंग वर्क करना हो तो आपको मोटार का यूज करना पड़ेगा। इसी सीक्वेंस में पॉइंट थर्ड देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, टू फॉर्म एन इवन बेडिंग लेयर ऑफ फॉर बिल्डिंग यूनिट। मोटार का यूज हम लोग बिल्डिंग यूनिट में बेडिंग लेयर बनाने के लिए भी करते हैं। इवन टू फॉर्म ज्वाइंट्स ऑफ पाइप, पाइप के ज्वाइंट्स को भी फिल करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। एंड टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर कोई स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब है या किसी स्ट्रक्चर में क्रैक होल्स दिख रहे हैं तो उनकी अपीयरेंस को भी मोटार से फिल करके इम्प्रूव किया जा सकता है। तो यह हमारा मोटार का बेसिक यूजेस था कि हम लोग मोटार का यूज कहाँ पे करेंगे। इसी सीक्वेंस में अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मोटार पर कि मोटार कितने टाइप का होता है। हेडिंग बनाएंगे टाइप ऑफ मोटार। तो चलिए टाइप ऑफ मोटार पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा इस पॉइंट को रिकॉर्ड करिएगा। द मोटार आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, मोटार को चार कैटेगरी में डिफरेंट बेस पर डिवाइड किया गया है। अब देखिएगा ये चार कैटेगरी और डिफरेंट बेस कौन कौन से हैं इनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मोटार को डिवाइड किया गया है उसके बल्क डेंसिटी पर, मतलब मोटार का जो बल्क डेंसिटी है सबसे पहले वह मोटार को डिवाइड करेगा। उसमें लाइट बल्क डेंसिटी, हैवी बल्क डेंसिटी और मीडियम बल्क डेंसिटी का मोटार होगा। इसी प्रकार से इसमें हम लोग काइंड्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग भी मोटार को देखेंगे। अब ये काइंड्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल क्या है, अगर आपने लाइम यूज किया है तो लाइम मोटार, सीमेंट यूज किया है तो सीमेंट मोटार, मड यूज किया है तो मड मोटार, और सीमेंट और लाइम यूज किया है तो कंपोजिट मोटार, या फिर जिप्सम यूज किया है तो जिप्सम मोटार। इस प्रकार का डिफरेंट टाइप का बाइंडिंग मटेरियल यूज करने पर आपके डिफरेंट टाइप के मोटार प्रोड्यूस होते हैं। अब इसी में हम लोग अगला जो कैटेगरी फाइंड आउट करेंगे वो नेचर ऑफ एप्लीकेशन का फाइंड आउट करेंगे। अब ये नेचर ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप मोटार को कैसे किसी कंस्ट्रक्शन में अप्लाई कर रहे हो उस बेस पर भी मोटार को क्लासिफाइड किया गया है। और एक लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन बनेगा जिसे हम लोग बात करेंगे स्पेशल मोटार। अब ये स्पेशल मोटार क्या है कि अगर किसी मोटार की कोई वैल्यू कम और ज़्यादा करनी है, स्पेशल प्लेस पर रिकमेंड करना है तो वहाँ पे हम लोग स्पेशल मोटार का यूज करेंगे। अब चलिए देखते हैं इसी में कुछ सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ मोटार पर और पहला जो हमारा डिवीजन टाइप बनेगा हम लोग बात करेंगे बल्क डेंसिटी पर। तो जैसा मैंने आपको बताया था माय डियर कि बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग मोटार को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। गुड मॉर्निंग गोविंद। I hope you find daily good morning। चलिए तो अब हम क्या बात कर रहे थे आपसे कि बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग मोटार को टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अंकित गुड मॉर्निंग अंकित। चलिए तो अब बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं मोटार को, तो देखिएगा इस पॉइंट को रिकॉर्ड करिएगा। अकॉर्डिंग टू बल्क डेंसिटी ऑफ मोटार इन ड्राई स्टेट द मोटार आर टू टाइप्स। अगर हम ड्राई स्टेट में किसी मोटार को देखें तो उनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है। वीवीआईपी गेमर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम डियर बहुत वीआईपी है इसलिए थोड़ा कम समझ में आता है कि आपको मैं गेमर बोलूं या वीवीआईपी बोलूं। चलिए तो अब मैंने कहा कि बल्क डेंसिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब मोटार की बल्क डेंसिटी क्या है माय डियर, तो मोटार का बल्क डेंसिटी से मेरा मतलब है कि आप मोटार के वेट को कंसीडर करोगे, उस वेट में वाटर का वेट होगा, फाइन एग्रीगेट का वेट होगा, बाइंडर का वेट होगा। इन तीनों को अगर एक कर दिया जाए तो जो वेट बनेगा उसको बल्क डेंसिटी आप मोटार कहेंगे। तो देखिएगा सबसे पहला जो मेरा पॉइंट बनेगा इसमें वो बनेगा हैवी मोटार्स। अब ये हैवी मोटार्स क्या होता है इनको समझ लेते हैं। अब देखिएगा हैवी मोटार्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, बल्क डेंसिटी इज मोर देन 1500 kg/m³ एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम हैवी क्वार्ट्स। मतलब ऐसे मोटार की मैं बात कर रहा हूं जिसका बल्क डेंसिटी का मान 1500 kg/m³ से ज़्यादा है और इनको क्वार्ट्ज से बनाया गया है। क्वार्ट्ज क्या है माय डियर, यह एक स्टोन है, इस स्टोन से जो फाइन एग्रीगेट बनाया जाएगा उस फाइन एग्रीगेट का यूज हैवी मोटार में किया जाएगा। एनी डाउट्स? चलिए अब इसी में हमारा सेकेंड टाइप क्या है इसको भी देख लेते हैं। दिस इज नोन एज लाइट वेट मोटार। अब हम लोग देखते हैं माय डियर कि लाइट वेट मोटार क्या होता है। तो अभी तो हमने आपको हैवी मोटार बताया। हैवी मोटार में मैंने आपसे कहा कि 1500 kg/m³ से बल्क डेंसिटी ज़्यादा होने पर हैवी मोटार कहा जाएगा। अब 1500 kg/m³ से बल्क डेंसिटी कम होने पर लाइट वेट मोटार कहा जाएगा। अगर आपको हैवी मोटार बनाना है तो क्वार्ट्ज से बनाना होगा और लाइट वेट मोटार बनाना है तो आपको पोरस सैंड से बनाना होगा। क्लियर है? चलिए इस पॉइंट को नोट करेंगे। बल्क डेंसिटी इज लेस देन 1500 kg/m³ एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइट पोरस सैंड इज नोन एज लाइट वेट मोटार। तो ऐसा मोटार जिसका बल्क डेंसिटी 1500 kg/m³ से कम है और लाइट पोरस सैंड से बनाया गया है इसको लाइट वेट मोटार कहते हैं। तो ये तो हमारा बल्क डेंसिटी क्लासिफिकेशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी सीक्वेंस में एक और क्लासिफिकेशंस की हम लोग बात करेंगे और अब हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। अब देखिएगा माय डियर किसी मोटार को उसके बाइंडिंग मटेरियल के बेस पर भी क्लासिफाई किया गया है। अब बाइंडिंग मटेरियल के बेस पर जो क्लासिफाई किया गया है तो सबसे पहले आप जान लो कि बाइंडिंग मटेरियल कितने टाइप का होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, मड, सीमेंट, लाइम, जिप्सम, ये सब क्या है, ये सब बाइंडिंग मटेरियल ही तो हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग मोटार को क्लासिफाइड कर रहे हैं। इस पॉइंट को रिकॉर्ड करेंगे। according to the kind of binding material, several factors such as expected working condition, hardening, temperature, moisture content, it should be considered. The mortar are classified into 5 category. क्या देखा हमने कि मोटार के बाइंडिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग मोटार को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एज पर बाइंडिंग मटेरियल मोटार आर क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरी. अब वह कौन कौन सा कैटेगरी है इनको हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मड मोटार के बारे में. देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, मड मोटार क्या होता है इनको सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे. तो चलिए मड मोटार देखते हैं. पॉइंट 1 नोट करिएगा इसमें. द पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सुटेबल क्ले सॉयल विथ वाटर. आप इस मोटार को बनाने के लिए क्ले को वाटर के साथ मिक्स करो. जो मोटार आपका तैयार होगा इसे हम मड मोटार कहेंगे. अब सॉयल में कौन सा सॉयल, तो आप लोगों को पता होगा माय डियर, जिसमें कोहेजन होता है, जिसमें प्लास्टिसिटी होती है. कौन से सॉयल में कोहेजन और प्लास्टिसिटी होता है, तो हम बात कर रहे हैं क्ले का. तो क्ले में वाटर मिक्स करो और आपका मोटार तैयार हो जाएगा. अगले पॉइंट को देखिएगा. अगला पॉइंट क्या कह रहा है. The soil which is used for preparing mud mortar should be free from grass, pebbles, ants. आप जिस सॉयल से मोटार बना रहे हो वह सॉयल इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए. उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि घास, स्टोन और ग्रेड्स. इसी में अगला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहे हैं. दीज आर द चीपेस्ट मोटार बट वीकेस्ट इन स्ट्रेंथ. यह मोटार सस्ता होगा लेकिन स्ट्रेंथ इनकी कम होगी. इसी में अगले पॉइंट को नोट कर लीजिएगा माय डियर. दीज मोटार आर यूज्ड फॉर ब्रिक वर्क of ordinary building and for plastering walls in rural area. समझिएगा हमारी बात को. इस मोटार का ऑर्डिनरी बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं. इसके अलावा रूरल एरिया में इसी मड मोटार से प्लास्टर कर दिया जाता है. बट माय डियर एक बात समझ लीजिएगा कि मड मोटार में हीट इंसुलेटिंग, साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है. तो अगर कोई भी वाल मड मोटार से प्लास्टर किया जाएगा तो उस रूम में आपको टेम्परेचर जो होगा हमेशा मेंटेन रहेगा. चलिए इसी सीक्वेंस में अगले पॉइंट को नोट करेंगे. देखिएगा मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया है. इसमें आपको मड मोटार लगाते हुए दिखाई दे जा रहे हैं. ये लोग जो मेसन हैं ये मड मोटार से मेसनरी कर रहे हैं. यहाँ पे वुडन फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसमें मड मोटार से प्लास्टरिंग हो रहा है. आप देखिएगा ये मड मोटार से प्लास्टरिंग किया जा रहा है. यहाँ भी मड प्लास्टर किया जा रहा है. यहाँ पे मड की वॉल बनाई जा रही है. और ये जो आपको एक ब्यूटीफुल हाउस दिख रहा है, दिस ब्यूटीफुल हाउस इज प्रिपेयर्ड बाई मड मोटार. चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं. अगला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है. अब हम लोग नोट करेंगे अगले पॉइंट को, और यह है हमारा लाइम मोटार. अब हम बात करेंगे माय डियर लाइम मोटार के बारे में, कि लाइम मोटार की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें इस पॉइंट को आप देखिएगा, इट इज ए टाइप ऑफ मोटार कंपोज्ड ऑफ लाइम एंड एग्रीगेट सच एज सैंड मिक्सड विथ वाटर। इन दिस मोटार लाइम इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल। लाइम मोटार में हम लोग फाइन एग्रीगेट के साथ बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम का यूज करते हैं और वाटर मिक्स करके लाइम मोटार बनाते हैं। अब इसमें देखिएगा लाइम मोटार की प्रॉपर्टी क्या है माय डियर। लाइम में भी फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। फैट लाइम मोटार 1:2 to 1:3 एंड हाइड्रोलिक लाइम मोटार में भी 1:2 by volume। अब समझिएगा हमारी बात, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अब हमारी बात समझिएगा, अगर हम लाइम मोटार के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइम मोटार में 2 टाइप के लाइम मोटार हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है कि आपने हाइड्रोलिक लाइम का यूज किया हो और दूसरा हो सकता है कि आपने फैट लाइम का यूज किया हो। अगर आपने फैट लाइम का यूज किया है तो फैट लाइम में, गुड मॉर्निंग विकास, तो फैट लाइम में हम लोग क्या बात करते हैं कि जब फैट लाइम वाटर के कांटेक्ट में आता है तो फैट लाइम अपने वॉल्यूम का 2.5 टाइम्स इंक्रीमेंट करता है। अब आप हमारी बात समझिएगा कि जो फैट लाइम है ये क्लास सी का लाइम है। अब आप समझिएगा इनका नाम फैट लाइम क्यों पड़ा। तो फैट लाइम का कॉन्सेप्ट ये है माय डियर कि फैट मतलब होता है मोटा और लाइम तो आपको पता ही है। तो मोटा होने का मतलब क्या है कि फैट लाइम अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपने वॉल्यूम का 2 से 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्हें फैट लाइम बोला गया है। अच्छा, इसी फैट लाइम का एक और नाम है जिसको हम लोग स्वीट लाइम बोलते हैं। अब इनका नाम स्वीट लाइम क्यों पड़ा माय डियर, तो स्वीट लाइम का मतलब होता है मीठा चूना। इनको घरों में यूज करते हैं, जो खाने में चूने को यूज करते हैं, लाइम को यूज करते हैं, वह क्लास सी का प्योर लाइम ही होता है, इसलिए इनका नाम स्वीट लाइम रखा गया है। बात समझ में आ रही। इसी तरह से इनका नाम प्योर लाइम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें प्योरिटी का मान 97% होता है, इसलिए इस लाइम को प्योर लाइम भी बोला गया। तो इस प्रकार से हम लोग हाइड्रोलिक लाइम और फैट लाइम का यूज मोटार बनाने के लिए, लाइम मोटार बनाने के लिए करते हैं। अब आप देखिएगा कि इनका रेशियो क्या होगा। तो फैट लाइम का अगर आप मोटार बनाओगे तो 1:2 से 1:3 के बीच में आपको रेशियो मिलेगा, और अगर आप हाइड्रोलिक लाइम का मोटार बनाओगे तो आपको 1:2 का रेशियो देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं माय डियर, तो फैट लाइम का जो मोटार बनाया जाता है उससे प्लास्टरिंग वर्क करते हैं, और जो हाइड्रोलिक लाइम का मोटार बनाया जाता है उससे हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, मशीनरी वर्क करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट में देखिएगा इस पॉइंट को, ए लाइम किल्न इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पिक लाइम थ्रू द कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन। अब आपको पता ही होगा कि हमें लाइम कैसे प्राप्त होता है। तो माय डियर, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो CaCO3 है इसको आप लोग बोलते हो लाइम स्टोन। CaCO3 को क्या बोलते हो, लाइम स्टोन। अगर मैं इनको जला दूं तो जलाऊंगा कितने डिग्री सेल्सियस पर, 816 डिग्री सेल्सियस। अब 816 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है माय डियर, मतलब यह जो टेम्परेचर होगा यह कैल्सिनेशन जोन होगा, किसी लाइम को कैल्सिनेट कर देगा। अब देखिएगा जब आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CaO। CaO को क्या बोलते हैं, मिस्टर ट्रेंटी मंजूर टियर, आपने पूछा कि अगर गेज्ड मोटार बनाया जाए तो 1:2:3 का क्या मतलब है? कोई बात नहीं माय डियर, मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले आप ये जान लो कि गेज्ड मोटार कैसे बनाते हैं। गेज्ड मोटार बनाने के लिए हम लोग लाइम और सीमेंट का कंपोजिट बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 1 है यह सीमेंट का परसेंटेज होगा, यहाँ पे आपका जो 2 है या लाइम का परसेंटेज होगा, यहाँ पे जो आपका 3 है ये फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज होगा। आई होप आपको बात एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। 1 जो रिप्रेजेंट करेगा वह सीमेंट के परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेगा, 2 जो रिप्रेजेंट करेगा वह आपका लाइम का परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगा, और 3 जो आपका रिप्रेजेंट करेगा वह आपका सैंड का परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है माय डियर? चलिए, अब मैं बात कर रहा था कि हमको यहां पे क्या मिलेगा। CaO प्लस CO2। अब ये जो CO2 है ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है माय डियर? चलिए, अब देखिएगा इसी सीक्वेंस में अगले पॉइंट को नोट करते हैं। क्या कह रहा है? द पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम एंड सैंड और सुर्खी इज सुटेबल प्रपोर्शन इन एडिशन टू वाटर। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि हमें एक ऐसा मिक्सचर पेस्ट तैयार करना है जिनमें लाइम, सैंड और सुर्खी को वाटर के साथ मिक्स करेंगे। तो यह जो पेस्ट तैयार होगा इसी को हम लोग लाइम मोटार कहेंगे। अब इसी में देखिएगा, इफ सुर्खी इज टू बी एडेड इन लाइम मोटार द इक्वल प्रपोर्शन ऑफ सैंड एंड सुर्खी सो बी मिक्सड विथ वाटर। आप समझिएगा हमारी बात कि अगर हम कोई लाइम मोटार बनाना चाहें और उसमें सुर्खी का यूज करना चाहें तो सुर्खी का जो परसेंटेज होगा वह सैंड के परसेंटेज के इक्विवेलेंट होगा। मतलब अगर आप सुर्खी यूज करना चाह रहे हो माय डियर तो सुर्खी की मात्रा सैंड की मात्रा के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? इसी में देखते हैं अगले पॉइंट को क्या कह रहा है। दीज मोटार आर इन्फेरियर टू सीमेंट मोटार इन स्ट्रेंथ एज वेल एज वाटर टाइटनेस। आप हमारी बात समझिएगा कि अगर इस मोटार की बात करें तो इस मोटार की स्ट्रेंथ वाटर की वजह से और सुर्खी की वजह से ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू लाइम मोटार, और इसमें जो स्टिफनेस की वैल्यू होगी, जो इसमें हार्डनेस की वैल्यू होगी, यह लाइम मोटार से ज़्यादा होगी। मतलब सेटिंग प्रॉपर्टी जल्दी होगा। इसी पॉइंट में एक और पॉइंट है हमारा, इसको भी नोट कर लीजिएगा माय डियर। दीज मोटार शुड नॉट बी यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड वर्क एज दे सेट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रेक अप इन डंप कंडीशन। ऐसे मोटार को अंडरग्राउंड वर्क में यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे मोटार जो होते हैं वह डैम्प के कंडीशन में, डैम्प के कांटेक्ट में आने पर सेट होते हैं, बहुत तेज़ी से सेट होते हैं और क्रैक डेवलप करते हैं, जिससे मोटार के स्ट्रक्चर को डैम्प कंडीशन में आफ्टर 5 to 6 ईयर फेलर चांस बढ़ जाएगा। तो इनका प्रयोग, इस मोटार का प्रयोग, किसका? लाइम मोटार का प्रयोग कभी भी डैम्प सिचुएशन में जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट का मान बहुत ज़्यादा हो नहीं करना चाहिए ड्यू टू क्रैक डेवलप ड्यू टू स्ट्रक्चर फेलर। क्लियर है माय डियर। चलिए इसी सीक्वेंस में अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अब हम लोग अगले मोटार की ओर बढ़ेंगे। इस बार हमारा हेडिंग रहेगा सीमेंट मोटार। अब देखते हैं सीमेंट मोटार क्या होता है और सीमेंट मोटार की प्रॉपर्टी क्या होगी। चलिए सीमेंट मोटार को हम लोग देखते हैं। सीमेंट मोटार क्या है। इन दिस मोटार सीमेंट इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। The proportion of cement to sand varies from 1:2 to 1:6 or more। आप समझिएगा अगर आपको सीमेंट मोटार बनाना है तो ऑब्वियसली बात है कि हमको बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का यूज करना होगा। इस मोटार का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है मोटार के रेशियो पर और इस मोटार का रेशियो 1:2 से लेकर 1:6 तक होता है। लेसर रेशियो गिवन हायर स्ट्रेंथ एंड हायर रेशियो गिवन लोअर स्ट्रेंथ। तो जितना आप रेशियो का मान बढ़ाओगे उतना ही किसी मोटार का स्ट्रेंथ रिड्यूस होता चला जाएगा। अगर आप मोटार का रेशियो कम रखोगे तो आपके मोटार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है माय डियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। The paste is prepared by mixing cement and sand in suitable proportion in addition to water। तो हम लोग सीमेंट मोटार को कैसे बनाएंगे। सीमेंट और वाटर को एक सीमेंट सैंड और वाटर को एक निश्चित डेफिनेट रेशियो में मिलाकर सीमेंट मोटार तैयार किया जाएगा। अब इसी में अगला पॉइंट देखिएगा। द जनरल प्रपोर्शन इज 1 part ऑफ सीमेंट टू 2 to 6 पार्ट आर मोर प्लेन सैंड। अब हमारी बात समझिएगा। सीमेंट का जो रेशियो होगा माय डियर, सीमेंट का रेशियो कांस्टेंट होगा। 1 part ही सीमेंट यूज किया जाएगा बट सैंड का रेशियो वैरी करेगा 2 से लेके 6 तक और जितना ज़्यादा आप सैंड का प्रपोर्शन बढ़ाओगे उतना ही वीक मोटार तैयार होगा। अगर आप सीमेंट की वैल्यू कम रखोगे तो स्ट्रॉन्ग मोटार आपको मिलेगा और अगर आप सीमेंट का वैल्यू ज़्यादा रखोगे तो आपको वीक या लीन मोटार प्राप्त होगा। अगर मैं बात करूं माय डियर तो 1:3 का रेशियो आपको रिच मोटार रिप्रेजेंट करेगा और 1:6 का रेशियो लीन मोटार को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका रेशियो कम होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और अगर आपका रेशियो ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ का मान कम होगा। इसी पॉइंट में देखते हैं क्या कह रहे हैं। दीज मोटार मस्ट बी यूज विद इन हाफ एन आवर बिफोर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। ये जो आपने सीमेंट मोटार तैयार किया है माय डियर, इसको आप 30 मिनट्स से पहले कंज्यूम कर लो, इनका यूज कर लो, क्योंकि किसी भी सीमेंट का जब इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो उस सीमेंट की वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों का मान रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा पॉइंट। This type is used for all engineering work where high strength is desired, such as load bearing wall, deep foundation, flooring ईट्स। तो इस जो सीमेंट मोटार होता है इनका यूज हम लोग इंजीनियरिंग वर्क में करते हैं, जहाँ पे हमको लोड बेयरिंग वॉल बनाना हो, फाउंडेशन बनाना हो, फ्लोरिंग करना हो या हायर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो। अब हम बात करेंगे माय डियर, गेज्ड मोटार और कंपोजिट मोटार। देखते हैं गेज्ड मोटार क्या होता है या कंपोजिट मोटार क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को, देखते हैं गेज्ड मोटार क्या है और कंपोजिट मोटार क्या है। पॉइंट वन नोट करेंगे माय डियर, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सीमेंट टू लाइम मोटार टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइम इज नोन एज गेजिंग। अब देखिएगा, अगर हम किसी लाइम में सीमेंट को मिक्स कर दें तो लाइम मोटार के प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने का जो मेथड है वह गेज्ड मोटार कहलाता है। अगर मैं लाइम मोटार में सीमेंट को यूज कर दूं तो मेरा जो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने का मेथड है दिस इज नोन एज गेज्ड मोटार। अब इसी पॉइंट में अगले पॉइंट को नोट करिएगा, इट मेक्स लाइम मोटार इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग एंड डेंस, या किसी भी लाइम मोटार को इकोनॉमिकल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा और डेंस बनाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, द यूजुअल प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट टू लाइम बाई वॉल्यूम इज अबाउट 1:6 to 1:8। इसमें सीमेंट और लाइम का प्रपोर्शन क्या होगा माय डियर? तो सीमेंट और लाइम का प्रपोर्शन होगा 1:6 to 1:8। अब 1:6 to 1:8 क्या है? 1 पार्ट हमारा सीमेंट है और 6 और 8 पार्ट हमारा सैंड है। चलिए अब देखेंगे, अगला हेडिंग बनाएंगे जिप्सम मोटार। देखते हैं जिप्सम मोटार क्या होता है। जिप्सम मोटार हेडिंग बनाएंगे। अब पॉइंट वन देखिएगा क्या कह रहा है जिप्सम मोटार में, दीज मोटार आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम बाइंडिंग मटेरियल। अब हमने बाइंडिंग मटेरियल के रूप में क्या लिया है? जिप्सम को लिया है, इसीलिए इस मोटार को जिप्सम मोटार बोला गया। सच एज बिल्डिंग जिप्सम एंड एन हाइड्राइड बाइंडिंग मटेरियल। ये जो बिल्डिंग जिप्सम होता है इट इज एनहाइड्राइड बाइंडिंग मटेरियल होता है। अब देखिएगा, ये मैंने आपको मड मोटार दिखाया है, ये मैंने आपको लाइम मोटार दिखाया है, ये आपके सामने सीमेंट मोटार का पिक्चर है, ये हमने गेज मोटार दिखाया है जिसमें लाइम और सीमेंट दोनों मिक्स है, ये मैंने आपके सामने जिप्सम मोर्टार दिखाया है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के मोर्टार थे ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। मैंने आपके सामने ये पीपीटी में पिक्चर दिखाए हैं, मड मोर्टार, लाइम मोर्टार, सीमेंट मोर्टार, गेज मोर्टार और जिप्सम मोर्टार। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मोर्टार ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एप्लीकेशन। अब किसी मोर्टार के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, उनको अप्लाई करने के अकॉर्डिंग कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। यस मजूमदार, क्लियर है डियर, आपका क्वेश्चन क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस नेचर ऑफ एप्लीकेशंस को। देखते हैं नेचर ऑफ एप्लीकेशन में क्या है। चलिए आप देखिएगा, पॉइंट नोट करिएगा आप लोग। नेचर ऑफ एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एप्लीकेशन द मोर्टार आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। नेचर ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग मोर्टार को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब ये टू कैटेगरी कौन कौन से कैटेगरी हैं आप देखिएगा। सबसे पहला हमारा जो है कैटेगरी ए, ब्रिक लेइंग मोर्टार है। अब आप समझिएगा कि ब्रिक लेइंग मोर्टार क्या होता है। अब देखिएगा माय डियर, अगर आप मेसनरी करते हो तो मेसनरी करते टाइम आपने देखा होगा कि एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक के ऊपर लेयर फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। तो अगर आप ब्रिक को लेयर फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको लेयर फॉर्म में लगाते रहने के लिए इन दोनों बिल्डिंग यूनिट को, दोनों ब्रिक को आपस में बांधने के लिए एक बाइंडिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, एक मोर्टार का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम यहाँ पे जिस मोर्टार को अप्लाई करेंगे, किसके लिए? ब्रिक के लेयर को आपस में बाइंड करने के लिए, वह हमारा ब्रिक लेइंग मोर्टार होगा। और अगर हम किसी वाल को मोर्टार से फिनिश कर रहे हो, मोर्टार से फिनिश करने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी वाल को मोर्टार से उनके ज्वाइंट को फिनिश करो, सरफेस के ब्यूटी को इंक्रीज करो, तो यह जो मोर्टार होगा, दिस मोर्टार इज नोन एज फिनिशिंग मोर्टार्स। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहले ब्रिक लेइंग मोर्टार देखते हैं क्या है। पॉइंट नोट करिएगा, मोर्टार for brick laying are intended to be used for brick work and walls depending upon the working condition and type of construction, the composition masonry mortar with respect to the kind of binding material is decided। तो जितना भी मोटार आपके मेसनरी में यूज हो रहा है, जितना भी मोटार आपके मेसनरी में कंज्यूम हो रहा है, इस मोटार को हम लोग ब्रिक लेइंग मोटार के नाम से जानते हैं। अब इसी में अगले पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। इस बार है हमारा फिनिशिंग मोटार। अब देखते हैं फिनिशिंग मोटार क्या होता है। दीज मोटार इंक्लूड कॉमन प्लास्टरिंग वर्क एंड मोटार फॉर डेवलपिंग आर्किटेक्चरल और ऑर्नामेंटल अफेक्ट्स, generally cement or lime is used as binding material। अब आप समझिएगा कि जो फिनिशिंग मोटार होता है माय डियर, उनका यूज हम लोग प्लास्टर वर्क में करते हैं। इसके अलावा कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाना हो तो उसमें करते हैं, या कोई ऑर्नामेंटल इफेक्ट बनाना हो, कोई आपको नक्काशी कार्य करना हो या कोई आपको विजुअल अफेक्ट बढ़ाना हो तो आप फिनिशिंग मोटार का यूज करते हो। तो पहला जो हमारा था वो ब्रिक लेइंग मोटार था और दूसरा जो हमारा है वो फिनिशिंग मोटार है। फिनिशिंग मोटार का यूज प्लास्टर करने में और ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव वर्क करने में, और ब्रिक लेइंग मोटार का यूज मेसनरी वर्क में किया जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेशल मोटार के बारे में। स्पेशल मोटार कौन सा मोटार होता है? तो पॉइंट वन नोट करिएगा, फायर रेजिस्टेंट मोटार। स्पेशल मोटार का पहला टाइप है फायर रेजिस्टेंट मोटार। पॉइंट रिकॉर्ड करेंगे, दिस मोटार इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1:2 रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम सीमेंट विथ क्रस्ट पाउडर ऑफ फायर ब्रिक यूज्ड फॉर फायर ब्रिक लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस, फायर प्लेसेस, ओवेंस, एट्स। अब देखिएगा, आपको फायर रेजिस्टिंग मोटार बनाना है और फायर रेजिस्टिंग मोटार बनाना है तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी फायर रेजिस्टिंग पावर इंक्रीज करनी है। कैसे इंक्रीज करें फायर रेजिस्टिंग पावर किसी मोटार का? तो इस मोटार को बनाने के लिए हम लोग 1:2 का एल्यूमिनियम सीमेंट विथ क्रस्ट पाउडर ऑफ फायर ब्रिक यूज करते हैं। मतलब 1 पार्ट आप एल्यूमिनियम सीमेंट का यूज करोगे और 2 पार्ट आप ब्रिक के पाउडर का यूज करोगे। अगर 1 पार्ट आपने एल्यूमिनियम सीमेंट यूज किया है और 2 पार्ट आपने पाउडर ब्रिक का यूज किया है तो इस मोटार को फायर रेजिस्टेंट मोटार कहेंगे। चलिए इसी सीक्वेंस में अगले पॉइंट को देखते हैं। और इस बार हम लोग बात करेंगे लाइट वेट मोटार के बारे में कि लाइट वेट मोटार क्या होगा। दिस मोटार इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग sawdust, wood powder to lime or cement mortar for soundproof and heatproof कंस्ट्रक्शन। तो आप देखिएगा माय डियर, लाइट वेट मोटार कैसे बनाते हैं। तो लाइट वेट मोटार बनाने के लिए हम लोग सॉ डस्ट का यूज करते हैं, वुड पाउडर का यूज करते हैं, लाइम और सीमेंट मोटार बनाते हैं, जिससे लाइट वेट मोटार साउंड प्रूफिंग का काम करता है, हीट प्रूफिंग का काम करता है कंस्ट्रक्शन वर्क में। चलिए अगले मोटार की ओर मूव करते हैं, देखते हैं अगला मोटार कौन सा है हमारा। तो अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग मोटार पर कि पैकिंग मोटार क्या होता है। टू पैक ऑफ ऑयल वेल स्पेशल मोटार पजेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ हाई होमोजेनिटी, वाटर रेजिस्टेंट, प्री डिटरमाइंड सेटिंग टाइम, एबिलिटी टू फॉर्म सॉलिड वाटर प्रूफ, प्लक्स इन क्रैक एंड वाइड्स ऑफ रॉक्स रेजिस्टेंट टू सबसॉइल वाटर प्रेशर, इट्स हैव टू बी फॉर मेड विथ सीमेंट लोम एंड सीमेंट सैंड लोम। तो अब देखिएगा माय डियर, पैकिंग मोटार क्या है। पैकिंग मोटार एक स्पेशल टाइप का मोटार है जिसको हम लोग तेल के कुओं में यूज करते हैं जॉइंट को पैक करने के लिए। और इनको कैसे बनाया जाएगा, इनको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड और सीमेंट का यूज करते हैं, या सैंड और लोम सीमेंट का यूज करते हैं, या लोम सीमेंट लोम सैंड सीमेंट और मोटार का यूज करते हैं। तो अगर आपने लोम सैंड का यूज किया है तो ऑब्वियसली बात है कि आपके मोटार की पैकेजिंग पावर बढ़ेगी। और इस पैकिंग मोटार का प्रयोग हम लोग ऑयल वेल में करते हैं। साउथ के, इंडिया के साउथ के कुछ हिस्सों में इनका यूज होता है, बाकी ये अरब कंट्री में यूज किए जाते हैं, वहाँ पे ऑयल के वेल बहुत ज़्यादा है। चलिए अब हम अगले पॉइंट की ओर थोड़ा सा मूव करना चाहेंगे। अगला हमारा जो मोटार है दैट इज नोन एज साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार। अब ये देखते हैं कि साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार क्या होता है माय डियर। साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार किसे कहते हैं, तो पॉइंट 1 नोट करेंगे इसमें कि साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार में क्या है। टू रिड्यूस द नॉइज लेवल, मतलब अगर आपको नॉइज को कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है, तो आप साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार का यूज करो। और किसके साथ साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार बनाया जाएगा, पोर्टलैंड सीमेंट, लाइम, जिप्सम, स्लैग। पोर्टलैंड सीमेंट इट्स, तो हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट को लाइम, जिप्सम और स्लैग के साथ मिक्स करके साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार तैयार करते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट मिक्स विथ लाइम, जिप्सम एंड स्लैग एंड प्रोड्यूस साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार। अब इस पॉइंट को आप देखिएगा, एज द बाइंडिंग मटेरियल एम्प्लॉयड इन इट्स composition, the aggregate reselected from lightweight porous material such as pumice cinder its। तो हम लोग साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे एग्रीगेट का यूज करते हैं जो लाइट वेट एग्रीगेट हो, पोरस हो, या प्यूमिस और सिंडर का यूज किया जाएगा। प्यूमिस और सिंडर का भी यूज हम लोग लाइट वेट मोटार बनाने में करते हैं। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को ये कुछ टाइप ऑफ मोटार के पिक्चर दिखाए हैं, जिसमें फायर रेजिस्टिंग मोटार आपको दिख रहा है, लाइट वेट मोटार आपको दिख रहा है, पैकिंग मोटार दिख रहा है, एक्सरे सेल्डिंग मोटार दिख रहा है और गेज मोटार दिख रहा है। इसी सीक्वेंस में हमारा जो लास्ट मोटार था, जो रिमेंस था, एक्सरे सेल्डिंग मोटार, इस मोटार को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। एक्सरे सेल्डिंग मोटार क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो एक्सरे सेल्डिंग मोटार में पॉइंट नोट करिएगा आप लोग, 30 टाइप ऑफ मोटार इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द प्लास्टरिंग कोट टू वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ एक्सरे कैबिन। दिस इज हैवी मोटार विथ बल्क डेंसिटी ओवर 2200 kg पर मीटर क्यूब इज यूज्ड the aggregate are obtained from heavy rock and suitable admixture are added to enhance protective property of such a mortar। इस पॉइंट को देखिएगा डियर, एक्सरे सील्डिंग मोटार जो है, एक्सरे सील्डिंग मोटार एक बहुत ही हैवी मोटार है जिसका बल्क डेंसिटी 2200 kg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होता है। इनको बनाने के लिए हम लोग हैवी रॉक का यूज करते हैं, एग्नियस रॉक का यूज करते हैं, ट्रैप और बेसाल्ट जैसे स्टोन का यूज करते हैं जिससे ये बनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ एक्सरे सील्डिंग मोटार का यूज हम लोग एक्सरे कैबिन में करते हैं। हॉस्पिटल में एक्सरे कैबिन होते हैं, उस एक्सरे कैबिन में एक्सरे सील्डिंग मोटार का यूज किया जाता है। एक्चुअली में माय डियर, जो एक्स रेज होती हैं वो किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। उन एक्स रेज से बचाने के लिए एक्सरे सील्डिंग मोटार का यूज किया जाता है, ताकि ये एक्सरेज किसी ह्यूमन बॉडी को अफेक्टेड ना करें। जिस रूम में एक्सरे मशीन होती है उस रूम की पैकेजिंग एक्सरे सील्डिंग मोटार से की जाती है। अगर एक्सरे सील्डिंग मोटार से किसी रूम की पैकेजिंग की गई है तो फिर उनमें से रेज क्रॉस करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दिस इज अ एक्सरे सील्डिंग मोटार। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको फायर रेजिस्टिंग मोटार दिखाया है। दिस इज लाइट वेट मोटार, इट इज पैकिंग मोटार, दिस इज एक्सरे सील्डिंग मोटार एंड दिस इज गेज मोटार। दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ मोटार। And now we are starting preparation of cement mortar. Preparation of सीमेंट मोटार, कैसे हम लोग किसी सीमेंट मोटार को तैयार करते हैं, बनाते हैं। इस सीक्वेंस में पहले पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा माय डियर, क्या कह रहे हैं, सीमेंट मोटार में बी प्रिपेयर्ड बाय मैनुअल मिक्सिंग और बाय मैकेनिकल मिक्सिंग। सीमेंट मोटार को बनाने के लिए या तो हम मैनुअल मिक्सिंग करते हैं या तो हम मैकेनिकल मिक्सिंग करते हैं। क्लियर है माय डियर। अब देखिएगा इस पॉइंट को, मैकेनिकल मिक्सिंग इज प्रीफर्ड व्हेन मोटार इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू बी यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर। देखिएगा मैनुअल मिक्सिंग तब किया जाता है जब हमको मोटार की रिक्वायरमेंट कम मात्रा में हो, बट मैकेनिकल मिक्सिंग तब किया जाता है जब मोटार हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो सॉरी, आपका क्वेश्चन डियर क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने क्वेश्चन को क्लियर बताइए क्या आप पूछना चाह रहे हैं। चलिए, अब मैं बात कर रहा था, पहले पॉइंट को हम लोग हेडिंग बनाएंगे मिक्सिंग इन मैकेनिकल मिक्सर, कि मैकेनिकल मिक्सर में कैसे मिक्सिंग किया जाएगा। तो देखिएगा मैकेनिकल मिक्सर में मिक्सिंग करने का क्या तरीका है। इन दिस केस सीमेंट एंड सैंड इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन आर फेड इन द मिक्सचर एंड मिक्स ड्राई। इस मशीन में हम लोग सीमेंट और सैंड को डिजायरेबल प्रपोर्शन में, दैट मीन्स 1:2, 1:3 इस प्रपोर्शन में क्या करते हैं, तैयार करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग मशीन में ड्राई कंडीशन में भर देते हैं। अब आप समझिएगा कि आपने रेशियो बनाया था 1:2, 1:3 और उसके बाद आपने उसको मशीन में फेड कर दिया, भर दिया। चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग। वाटर इज देन एडेड ग्रेजुअली एंड द वेट मिक्सिंग इज कंटिन्यूअस फॉर ए लिस्ट वन। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने एक रेशियो बनाया सीमेंट और सैंड का 1:2, 1:3, 1:4। रेशियो बनाने के बाद उस सीमेंट और सैंड को हमने फेड कर दिया मिक्सचर मशीन में। फिर हमने रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ WCR वाटर सीमेंट रेशियो जो निकला था मैंने उससे वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद हमने उसको एक निश्चित टाइम तक मिलाना स्टार्ट कर दिया, मिक्सिंग स्टार्ट कर दिया। देन मिनट टू ऑब्टेन द मोटार ऑफ डिजायर्ड कंसिस्टेंसी। अब जितना हमको कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड था इट इज नेसेसरी टू ensure that only the quantity of mortar which can be used within half an hour of its mixing should be prepared at a time. This is essential after 30 minutes the mortar begin to set. अब देखिएगा my dear, हमने क्या किया है, हमने मोटार को ड्राई फॉर्म में डाला था। अब ड्राई फॉर्म में मैंने फेड किया था मशीन में, फिर मैंने मिक्सिंग स्टार्ट करके वाटर डाल दिया और फिर वेट मिक्सिंग किया। अब देखिएगा जो इनसे मोटार तैयार हुआ है, इस मोटार को हमको आधे घंटे के अंदर इनका यूज कर लेना है। अगर आधे घंटे से ज़्यादा, दैट मीन्स 30 मिनट से ज़्यादा हमने टाइम लिया तो इस मोटार की प्रॉपर्टी सेट होने की स्टार्ट हो जाएगी। अगर इस मोटार की प्रॉपर्टी सेट होने की स्टार्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा हार्डनिंग और वर्केबिलिटी का प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों का मान कम हो जाएगा। चलिए, एनी डाउट्स माय डियर? चलिए, तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट मोटार की। चलिए, अब हम बात करेंगे, यह हमारा मिक्सचर मशीन है जिसमें हम मिक्सिंग कर रहे हैं मैकेनिकल प्रोसेस से। यह मैकेनिकल प्रोसेस से मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे आपके सामने। अब हम लोग मैनुअल मिक्सिंग के बारे में बात करेंगे कि मैनुअल मिक्सिंग का क्या मेथड होना चाहिए, मैनुअल मिक्सिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब आप समझिएगा कि मैनुअल मिक्सिंग में क्या मेथड हो सकता है, मैनुअल मिक्सिंग में क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, इन पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो पॉइंट 1 नोट करेंगे माय डियर। In this case, specified quantity of sand is spread and leveled on clean, dry masonry platform। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितना सैंड की क्वांटिटी होगी उस सैंड को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म को क्लीन करके सैंड को उस पर रख देंगे, चाहे वो 1:3 हो, 1:4 हो। तो 4 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 पार्ट रिप्रेजेंट करेगा सैंड के क्वांटिटी को। तो आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाओ, उस प्लेटफॉर्म को क्लीन कर दो और उस पर आप सैंड डाल दो। देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बैग्स आर एम्प्टाइड ओवर द सैंड लेयर। अब आप सैंड सीमेंट बैग को सैंड के ऊपर खोल दो, डाल दो। अब देखिएगा क्या होगा। द इंग्रेडिएंट्स आर देन मिक्स्ड थ्रोली बाई टर्निंग देन ओवर द सैंड लेयर। अब आप सैंड और सीमेंट को मिक्स करना स्टार्ट कर दो। द इंग्रेडिएंट्स are then mixed thoroughly by turning them over and over, backward and forward several times with the help of spade। आपके पास जो फावड़ा है ना, उस फावड़े से आप एक बार फॉरवर्ड मिक्सिंग करो और एक बार बैकवर्ड मिक्सिंग करो, फिर फॉरवर्ड करो, फिर बैकवर्ड करो। हमको कब तक मिक्सिंग करना है माय डियर? जब तक हमको होमोजीनियस कलर ना दिखने लगे। अगले पॉइंट को नोट करिएगा। ड्राई मिक्सिंग इज कंटिन्यूअस टिल द मिक्स हैव अटेन्स अ यूनिफॉर्म कलर। तब तक आप ड्राई मिक्सिंग करो, वाटर मत ऐड करो, जब तक आपको यूनिफॉर्म कलर ना दिखने लगे। A batch of dry mix is then put in the shallow masonry tank and just sufficient quantity of water is added to bring the mortar the consistency। अब आप जिस रेशियो में सीमेंट और सैंड को मिक्स किए हो, उस बॉक्स के हेल्प से वाटर की क्वांटिटी फाइंड आउट कर लो और जितनी वाटर रिक्वायरमेंट हो मोटार के कंसिस्टेंसी के लिए उतना वाटर आप ऐड कर दो। द क्वांटिटी ऑफ ड्राई मिक्स टेकन इन ईच बैच शुड बी सच द मोटार formed each time is consumed within half an hour। अब आपने जब पानी मिलाया मोटार में, तो आपका मोटार सेट और हार्ड होने लगेगा। तो इस मोटार को आधे घंटे के अंदर within 30 minutes यूज कर लो, नहीं तो इस मोटार की वर्कएबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों का मान कम होने लगेगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर रहे हैं, देखिएगा इस पिक्चर में हमने दिखाया है आपको ड्राई सैंड एंड सीमेंट व्हील बैरो। ये आपको व्हील बैरो है, ये हमने आपको दिखाया है। बिगिन टू मिक्स सैंड एंड सीमेंट। यहाँ पे मैंने सीमेंट और सैंड को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। मिक्स टू इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट सीमेंट। मैंने पूरी तरह से इनको मिक्स किया। इवन ड्राई मिक्स शुड बी ऑल वन कलर। अब ये होमोजीनियस कलर में आ गया। फिर मैंने क्या क्या ऐड वाटर एंड प्लास्टिसाइजर। अब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। इसके अलावा अगर मुझे इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाना था, वर्केबिलिटी को बढ़ाना था, तो मैंने इसमें प्लास्टिसाइजर भी यूज कर लिया। अब देखिएगा मिक्स टू रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी। जिस कंसिस्टेंसी की रिक्वायर्ड थी उस कंसिस्टेंसी में मिक्स को कन्वर्ट कर दिया। दिस इज अ मैनुअल मिक्सिंग ऑफ मोटार। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। प्रिकॉशन इन यूजिंग मोटार। मोटार को यूज करते समय कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। अब देखिएगा सबसे पहला प्रिकॉशन में क्या बताने जा रहा हूं, कंजप्शन ऑफ मोटार, मतलब मोटार बनाने के बाद कितने देर तक आप यूज कर सकते हो। दिस इज अ कंजप्शन ऑफ मोटार। पॉइंट नोट करेंगे, द कंजप्शन ऑफ मोटार शुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल। आप सीमेंट का कंजप्शन जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना जल्दी कर लो। देखो अगर आपने लाइम मोटार बनाया है माय डियर, तो लाइम मोटार को विथ इन 36 आवर आफ्टर इट्स प्रिपरेशन, बनाने के 36 घंटे तक लाइम मोटार को यूज किया जा सकता है। अगर आपने सीमेंट मोटार बनाया है तो 30 मिनट तक 30 मिनट तक आप सीमेंट मोटार को यूज कर सकते हो। और अगर आपने गेज्ड मोटार बनाया है माय डियर, तो आप 2 आवर्स तक यूज कर सकते हो। अगर सीमेंट मोटार बनाया है तो 30 मिनट्स तक, गेज मोटार बनाया है तो 2 आवर्स तक, और लाइम मोटार बनाया है तो 36 आवर्स तक यूज किया जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फ्रॉस्ट एक्शन। अब देखते हैं फ्रॉस्ट एक्शन का इन पर क्या डिफेक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट 1 नोट करेंगे, सेटिंग एक्शन ऑफ मोटार इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्रॉस्ट एंड नॉट एडवाइजेबल इन फ्रॉस्टी वेदर। अगर किसी कारणवश मोटार फ्रॉस्ट के कांटेक्ट में है तो फ्रॉस्टी वेदर के कारण मोटार का सेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, सोकिंग ऑफ बिल्डिंग यूनिट। Building units should not be soaked before application of mortar. If the precaution is not taken, water of mortar will be absorbed by the building units and mortar will become weak. अब आप हमारी बात को समझिएगा। आपने अगर मोटार किसी बिल्डिंग में अप्लाई किया है तो माय डियर आपने ब्रिक और स्टोन के बीच में ही मोटार को अप्लाई किया होगा। अगर स्टोन और ब्रिक को आपने पहले वाटर में इमर्ज नहीं किया था तो जो मोटार का स्लरी है, वाटर है, वह ब्रिक और स्टोन एब्जॉर्ब कर लेगा, सक कर लेगा और इस तरह से मोटार कमज़ोर हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी मोटार को बिल्डिंग यूनिट में लगाने से पहले बिल्डिंग यूनिट को पूरी तरह से वाटर से भर देना चाहिए, सैचुरेट कर देना चाहिए। क्लियर है माय डियर? चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट? प्रिकॉशन इन यूजिंग मोटार। मोटार यूज करते टाइम कौन कौन से प्रिकॉशन हम लोगों को लेने चाहिए? तो देखिएगा इसमें क्या है, इस पॉइंट को नोट करेंगे। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, पानी छिड़कता रहना चाहिए। कहां पे? देखिएगा, द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट बाय मोटार शुड बी केप्ट डैम और वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर फॉर अबाउट 7 to 10 डेज टू अवॉइड रैपिड ड्राइंग ऑफ मोटार। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है माय डियर? क्यूरिंग के बारे में बात कर रहा है। समझ रहे हो ना हमारी बात? जब आपने सीमेंट मोटार या कोई भी मोटार किसी बिल्डिंग में अप्लाई किया है तो उसको कॉन्टिन्यूटली मॉइस्चर्ड रखो। अगर वह ड्राई होगा तो मोटार वीक होगा और उसमें क्रैक ऑकर होगा। तो हमेशा मोटार अप्लाई करने के बाद पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट को नोट करते हैं। इस बार वर्केबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो मोटार शुड नॉट कंटेन एक्सेस वाटर एंड इट शुड बी स्टिफ एज कैन बी कन्वेंटली यूज्ड। ज्वाइंट शुड बी वेल फॉर्म्ड एंड एक्सेस मोटार फ्रॉम ज्वाइंट should be neatly taken off by a trowel. Surface formed by mortar for building units to rest should be even. अब आप समझिएगा माय डियर कि किसी भी मोटार में एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए, उतना ही वर्केबिलिटी होनी चाहिए किसी मोटार में, जिससे वह मोटार हॉरिजेंटल और वर्टिकल ज्वाइंट को अच्छी तरह भर पाए और जो भी ज्वाइंट से बाहर मोटार दिख रहे हों उनको ट्रॉवल की हेल्प से फिनिश कर देना चाहिए और ज्वाइंट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। दिस इज ए वर्केबिलिटी ऑफ मोटार, प्रिकॉशन इन यूजिंग ऑफ मोटार। दिस पॉइंट इज रिगार्डेड। अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्लास्टरिंग क्यों किया जाता है? चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टरिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टरिंग में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। चलिए तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लास्टरिंग देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं, प्लास्टरिंग इज डन टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। प्लास्टरिंग कुछ ये ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिनके लिए किया जाएगा। अब देखिएगा दूसरे पॉइंट को, टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल सरफेस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ रेन एंड अदर एटमॉस्फेरिक एजेंट। तो प्लास्टरिंग हम लोग क्यों करते हैं? प्लास्टरिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो रेन वाटर के पेनिट्रेशन से किसी भी सरफेस को सेफ करता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक एजेंट से भी सिक्योर करता है। अगला पॉइंट देखेंगे, टू गिव स्मूथ सरफेस इन विच डस्ट एंड डर्ट कैन नॉट लॉज। दैट मीन्स कि अगर आपका सरफेस रफ है या आपका सरफेस इरेगुलर है तो प्लास्टरिंग करने के बाद आपका सरफेस रेगुलर हो जाएगा और आपके सरफेस की जो ब्यूटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। अगला पॉइंट देखिएगा, टू गिव डेकोरेटिव इफेक्ट। एक अच्छा सरफेस देगा, डेकोरेटिव सरफेस देगा। अगला पॉइंट देखिएगा, टू प्रोटेक्ट सरफेस अगेंस्ट वर्मीन। तो वर्मीन से आपके सरफेस को बचाएगा। एंड टू कंसील इंफेरियर मटेरियल और डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। इसमें भी आपका प्लास्टरिंग हेल्प करेगा। इसी सीक्वेंस में रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्लास्टर देखते हैं क्या है। इट शुड एडहेयर टू द बैकग्राउंड एंड शुड रिमेन एडहेयर ड्यूरिंग ऑल वेरिएशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। मतलब कोई भी प्लास्टर क्लाइमेट चेंजिंग के साथ अपने किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहे हैं, इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिकल। दैट मीन्स अगर एक अच्छे प्लास्टर की बात की जाए तो वह चीप होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। बड़े बजट के प्लास्टर को एक अच्छे प्लास्टर में रिकमेंड नहीं किया जाएगा। इट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल। एक अच्छा प्लास्टर हार्ड होना चाहिए और लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, ज़्यादा चलना चाहिए। तो इट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल। अगला पॉइंट नोट करेंगे, इट शुड बी पॉसिबल टू अप्लाई इट ड्यूरिंग ऑल वेदर कंडीशन। तो एक अच्छा प्लास्टर जो होना चाहिए उसमें सभी वेदर से लड़ने की रेजिस्टिंग क्षमता होनी चाहिए। क्लियर है माय डियर? चलिए इसी पॉइंट में अगले पॉइंट को नोट करते हैं। इट शुड बी इफेक्टिवली चेक द एंट्री और पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस। तो किसी भी प्रकार का मॉइस्चर और रेन वाटर पेनिट्रेशन इजिली इनमें ना एंटर्ड करे, इसलिए प्लास्टर को हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए अगेंस्ट टू पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड रेन वाटर। चलिए अगला पॉइंट, इट शुड पोसेस गुड वर्केबिलिटी, इसमें वर्केबिलिटी का अच्छा वैल्यू होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं मोटार फॉर प्लास्टरिंग, कौन कौन से मोटार प्लास्टरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, इस पॉइंट को नोट करेंगे। तो प्लास्टरिंग के लिए कौन कौन से मोटार यूज किए जाएंगे हम लोग देखते हैं। पहला है हमारे पास सीमेंट मोटार, देन लाइम मोटार, देन जिप्सम मोटार, देन गेज मोटार, सुर्खी मोटार एंड एक्रेटेड सीमेंट मोटार। इतने मोटार प्लास्टरिंग में यूज किए जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सीमेंट मोटार के बारे में। पहला पॉइंट होगा हमारा सीमेंट मोटार। नोट करेंगे, इन दिस टाइप सीमेंट इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल and sand is used as adulterant fine aggregate. The proportion of cement and sand is decided based on the specified durability and weak and working condition. Cement mortar will give high strength and resistivity against water. The proportion of cement to sand may varies from 1:2 to 1:6। अगर हम सीमेंट मोटार की बात करेंगे माय डियर, तो सीमेंट मोटार वन ऑफ द बेस्ट मोटार होगा प्लास्टरिंग के लिए, जिसका यूज किसी भी प्लास्टर सरफेस पर किया जा सकता है, वॉल सरफेस पर किया जा सकता है, और इनका रेशियो वैरी करेगा 1:2 से लेकर 1:6 तक। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जो ये 1:2 या 1:6 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड 1 part ऑफ सीमेंट एंड 6 part ऑफ सैंड। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग लाइम मोटार की बात करेंगे। इन केस ऑफ लाइम मोटार, लाइम इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल। देयर आर 2 type ऑफ लाइम, namely fat lime and hydraulic lime. Fat lime in lime mortar requires 2 to 3 times of sand and it's used for dry work. Hydraulic lime and sand in 1:2 ratio will give good result in damp condition and also suitable for waterlogged area. The lime mortar has high plasticity, so it can be placed easily. अब देखिएगा, अगर हमें लाइम मोटार बनाना है माय डियर, तो हम 2 type का लाइम यूज करेंगे। एक तो हम फैट लाइम यूज करेंगे और एक हम हाइड्रोलिक लाइम यूज करेंगे। फैट लाइम में लाइम का प्योरिटी सबसे ज़्यादा होता है, तो इनका प्रयोग हम प्लास्टर वर्क में करेंगे। और हाइड्रोलिक लाइम में इम्प्योरिटी का मान ज़्यादा होता है, तो हाइड्रोलिक लाइम का प्रयोग हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में करेंगे। अब एक बात समझिएगा, फैट लाइन का प्रयोग यूज ऐसे प्लेस पर किया जाएगा जहां ड्राई कंडीशन हो, बट हाइड्रोलिक लाइन का यूज ऐसे प्लेस पर किया जाएगा जहां पे डैम्प एंड मॉइस्चर कंडीशन हो। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे जिप्सम मोटार का, कि जिप्सम मोटार पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब हेडिंग बनाएंगे जिप्सम मोटार। जिप्सम मोटार हेडिंग रहेगा। पॉइंट रिकॉर्ड करेंगे। जिप्सम मोटार कंसिस्ट ऑफ प्लास्टर एंड सॉफ्ट सैंड एज बाइंडिंग मटेरियल एंड फाइन एग्रीगेट इन द इजिप्शियन एंड एंशिएंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पिरामिड। जिप्सम मोटार इज यूज्ड। जिप्सम मोटार विल हैव लो ड्यूरेबिलिटी डैम कंडीशन। तो जिप्सम मोटार का यूज हम लोग पिरामिड बनाने में करते हैं, और जिप्सम मोटार में माय डियर डैम्प से रेजिस्टिंग पावर, लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मोटार फॉर प्लास्टरिंग, हम गेज्ड मोटार के बारे में बात करेंगे। चलिए बेटा आप अपना क्वेश्चन क्लियर लिख के दो। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, गैस मोटार पे बात करेंगे, पॉइंट रिकॉर्ड करेंगे। इसमें गैस मोटार consists lime, cement and sand. We know that lime mortar has high plasticity and cement has high strength. The lime, so whenever we mix this both in some proportion, then the resultant with will give two properties in economical base. So this is also called as composite mortar or lime cement mortar. Usually 1:2 to 1:8 ratio of cement to lime is used to prepare guest mortar. तो guest mortar बनाने के लिए my dear friend हम लोग lime और cement दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं। lime और cement दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं गेज मोटार बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए तो अब मैं बात करूंगा सुर्खी मोटार के बारे में। सुर्खी मोटार क्या होता है? तो अभी मैंने इसके पहले मेसनरी वाले पार्ट में डिस्कशन किया था सुर्खी मोटार के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था सुर्खी मोटार क्या है। अभी भी आपका क्वेश्चन सुनील क्लियर नहीं आ रहा है बेटा। क्वेश्चन तो अपना क्लियर रखो। जब तक आप अपना क्वेश्चन क्लियर नहीं बताओगे मैं कैसे आपका आंसर करूंगा? ओके चलिए, सुर्खी मोटार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि सुर्खी मोटार क्या होता है। सुर्खी मोटार पे डिस्कशन चल रहा था। पॉइंट नोट करेंगे, सुर्खी मोटार कंसिस्ट लाइम सुर्खी एंड वाटर। सुर्खी इज यूज्ड एज एडल्टरेंट और फाइन एग्रीगेट। Sometimes half amount of sand and half amount of surkhi also used. Surkhi is finely powdered burnt clay which is free from any admixture impurities. It will give more strength than sand and cheaply available in the market. तो सुर्खी एक ऐसा मोटार बनाया जाएगा, सुर्खी मोटार, जिसमें हम लोग सुर्खी लाइम और सैंड को, जिसमें सैंड और सुर्खी इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, यूज करेंगे। एक बात का और ध्यान देंगे यहाँ पे माय डियर कि इक्वल प्रोपोर्शन में सुर्खी और सैंड यूज करना है। लाइम का जो परसेंटेज होगा वो कांस्टेंट होगा। इससे जो मोटार बनेगा वह मोटार बहुत सस्ता मोटार बनेगा और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी एज कंपेरिजन टू लाइम और सैंड मोटार से। चलिए अब देखेंगे अगला मोटार, एरेटेड सीमेंट मोटार। General cement mortar does not contains good plasticity and workability. To make it more plastic and workable, air entrained agents are added to cement mortar. The result mortar is called aerotech cement mortar. समझिएगा my dear, जो हमारा जनरली सीमेंट मोटार होता है उसमें प्लास्टिसिटी की वैल्यू कम होती है, तो वर्केबिलिटी और प्लास्टिसिटी के वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग सीमेंट में एयर इंट्रेनिंग एजेंट मिला देते हैं। जैसा हमने आपको सीमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो जैसे ही आप एयर इंट्रेनिंग एजेंट मिलाते हो आपके सीमेंट मोटार की प्लास्टिसिटी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। इसलिए इनको हम एरेटेड सीमेंट मोटार कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। चलिए टूल्स फॉर प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं आप देखिएगा इनको। तो देखिएगा प्लास्टरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ये बुल नोज ट्रॉवल है। बुल नोज ट्रॉवल का यूज हम लोग प्लास्टर लगाने के लिए करते हैं। पॉइंटेड नोज ट्रॉवल का यूज हम लोग एक्सेज सेल्स को काटने के लिए करते हैं। फ्लोटेड ट्रॉवल का यूज हम लोग प्लेन करने के लिए करते हैं। प्लम ब्लॉक जो होता है, प्लम बॉब का यूज हम लोग लेवल मेंटेन करने के लिए करते हैं। ट्रेपोजोटिकल फ्लोट रूल का यूज हम लोग सरफेस के रेगुलर होने में चेक करते हैं, स्प्लिट लेवल हमारा लेवल चेक करने में काम आएगा, और फ्लैट रूल भी सरफेस मेजरमेंट में काम आएगा। तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट थे, टूल्स थे, जिनका यूज प्लास्टरिंग वर्क में किया जा रहा था। क्लियर है माय डियर? अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्लास्टरिंग के बारे में। वीरेंद्र त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा कल एग्जाम आपका डियर? चलिए मेथड फॉर प्लास्टरिंग के बारे में बात करेंगे कि प्लास्टरिंग का क्या मेथड है। अब देखिएगा क्या प्लास्टरिंग का मेथड है। फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे प्लास्टर में, जिसे हम रेंडर कोट के नाम से जानेंगे। चलिए, आपके लिए वेल विशेस कि आपका एडमिशन अच्छे रैंक से हो। चलिए, अब हम बात कर रहे थे फर्स्ट कोट प्लास्टर करेंगे तो इसे रेंडर कोट बोला जाएगा, और इसकी थिकनेस होगी 9 to 10 mm। अब देखिएगा सीमेंट मोटार यूज करेंगे 3 to 4 days टू हार्डन सरफेस इज कैप्ट रफ। जो सरफेस होगा उस सरफेस को रफ कर दिया जाएगा, 3 से 4 days उसको हार्ड होने में लगेगा। अब देखिएगा अगर आपने लाइम मोटार यूज किया है, दिस इज लेफ्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 days टू सेट एंड नॉट अलाउड टू ड्राई। मैकेनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल अच्छा हुआ, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं डियर, मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा आप और मेहनत करो और अपने रैंक को इम्प्रूव करो। तो मैंने कहा कि अगर आपने लाइम मोटार यूज किया है तो लाइम मोटार को 2 days रिक्वायर होंगे सेट और हार्ड होने में, लेकिन इनको ड्राई नहीं होने दिया जाएगा। इस पर कंटिन्यू वाटर स्प्रेड करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए, इसी में सेकेंड कोट अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं सेकेंड कोट अप्लाई करूंगा माय डियर, तो सेकेंड कोट का नाम हम लोग फ्लोटिंग कोट रख देते हैं, और इस पर थिकनेस 6 mm से 9 mm होगी, और इसको सरफेस को इवन बनाने के लिए किया जाएगा। दिस कोट इज अप्लाइड विथ टॉवेल and rubbed with straight edge. The water is sprinkled on the surface and the surface is well rubbed with floats to make it an even surface. अब अगर आप लाइम मोटार यूज कर रहे हो तो लाइम मोटार का यूज हम लोग सेकेंड लेयर में जब करेंगे तो ट्रैवल के हेल्प से करेंगे, और कंटिन्यू इनको जो हमारा फ्लोट होगा उससे प्रेशर लगाएंगे, जिससे जो सरफेस बने वह सरफेस इवन सरफेस बने। चलिए, इसी में थर्ड कोट अप्लाई किया जाए तो थर्ड कोट का नाम सेटिंग कोट और फिनिशिंग कोट रखा जाता है। यह 3 mm का होता है माय डियर, और ये सिमिलर टू सेकेंड कोट होगा इन सीमेंट प्लास्टर में। और अगर आपको लाइम प्लास्टर करना है तो अप्लाइड आफ्टर 5 days आफ्टर गिविंग ए रेस्ट ऑफ 24 hours टू द प्लास्टर सरफेस, द वर्क शुड बी वेल बेटर्ड फॉर ए नाइट और सो। तो अगर आप लाइम से थर्ड कोट अप्लाई करोगे प्लास्टरिंग में तो सेकेंड कोट के 24 घंटे बाद थर्ड कोट को अप्लाई किया जाएगा माय डियर। और ये जो थर्ड कोट अप्लाई करोगे इसको स्मूथ कोट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम एक्सटर्नल प्लास्टर पर डिस्कशन करेंगे कि एक्सटर्नल प्लास्टर करना हो तो कैसे करते हैं। एक्सटर्नल प्लास्टर पे डिस्कशन करेंगे माय डियर। तो देखिएगा सैंड फेस्ट फिनिश, द फर्स्ट कोट ऑफ सैंड फेस्ट सीमेंट प्लास्टर इज डन विथ सीमेंट मोटार इन 1:4 विथ कोर्स सैंड and after curing the plaster for 7 days the second coat of plastering 1:3 will be done on the first coat। सबसे पहले my dear आप अगर एक्सटर्नल प्लास्टर कर रहे हो, बाहर की दीवारों को प्लास्टर कर रहे हो, तो पहले कोट को अप्लाई करो, सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:4 रखो, 7 दिन तक उनको क्यूरिंग करो, 7 दिन के बाद सेकेंड कोट अप्लाई करो। इस बार मोटार का रेशियो 1:3 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब अगले पॉइंट को हम लोग रीड करेंगे कि अगले पॉइंट में क्या देख रहे हैं। Sponge is used in the second coat and it is applied when the second coat is wet. It is thus worked that the density of sand grain appear on the surface is equal and uniform। आप second coat किसी भी plastering में तब करते हो my dear जब first coat हल्का वेट कंडीशन में हो, गीली अवस्था में हो, और इसी सेकेंड कोट में आप स्पॉन्ज का यूज करोगे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। द सरफेस इज kept well watered at least for 15 days। अब इस सरफेस का आप 15 डेज तक क्यूरिंग करोगे। इस सरफेस का 15 डेज तक क्यूरिंग किया जाएगा। क्लियर है माय डियर? चलिए अब हम बात करेंगे रफ कास्ट फिनिश और स्पाटर डैश फिनिश कि रफ प्लास्टर कैसे करते हैं और रफ प्लास्टर करने का मेथोलॉजी क्या होगा। पॉइंट नोट करेंगे। दिस प्लास्टर इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल इन स्पेसिफाइड प्रपोर्शन डैश्ड ओवर ए फ्रेशली प्लास्टर्ड सरफेस। तो अगर आपको रफ प्लास्टर करना है तो आपको सीमेंट और सैंड ग्रेवल का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करना होगा। क्लियर है माय डियर? चलिए अब अगले पॉइंट पर मूव करेंगे और देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। The plaster base consists of two coats, under layer 12 mm thick and top layer 10 mm thick, having the cement mortar ratio 1:3. तो हम लोग पहला जो इस पे लेयर लगाएंगे वह 12 mm थिक का लगाएंगे और जो इस पर दूसरा लेयर लगाएंगे वह 10 mm थिक का लगाएंगे। सीमेंट मोटार का रेशियो होगा माय डियर, वह सीमेंट मोटार का रेशियो 1:3 का होगा। वीरेंद्र, प्लास्टर में सर जो दरार आ जाते हैं वो सही कैसे हो और क्यों आते हैं? तो डियर, आपने अगर प्लास्टरिंग करने के बाद अच्छे से क्यूरिंग नहीं किया है तो आपके प्लास्टर में क्रैक हो सकते हैं, और अगर आपको सही करना है तो उसमें गनिंग यूज करिए, गन मोटार यूज करिए, गंटिंग जिसे कहते हैं, आप उस क्रैक को फील कर सकते हो। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन ऑर्डर टू मेक द बेस मोर प्लास्टिक अबाउट 10% ऑफ हाइड्रेटेड लाइम बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट शैल बी एडेड व्हाइल प्रिपेयर मोर्टार। अगर आप चाहो तो जिस समय रफ कास्ट फिनिश स्पैटर डैश फिनिश कर रहे हो उसमें 10% हाइड्रेटेड लाइम मिला सकते हो, जिससे सीमेंट और लाइम मिलकर एक कंपोजिट मोर्टार तैयार करेगा। क्लियर है माय डियर? एनी प्रॉब्लम्स? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या पूछ रहे हैं। आप देखिएगा इसमें एक और हम लोग का प्रोसेस है डिबेटर फिनिश। इसमें क्या होगा? दिस इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ रफ कास्ट फिनिश। रफ कास्ट फिनिश के बाद डिबेटर फिनिश किया जा सकता है। The rendering coat of 12 mm thick is appeared as a case of pebble dash finish. इसमें हम लोग 12 mm thickness का प्लास्टर करते हैं। While this coat is wet, pieces of gravel are pressed with hand of the surface. आप समझिएगा, जैसे ही आप प्लास्टर ख़त्म करते हो तो जो ग्रेवल के पीसेज होते हैं उनको आप हाथ की हेल्प से इस प्लास्टर में चिपकाते चले जाते हो। Thus it is possible to have beautiful patterns and ornamental designs on the surface by selecting material of different color. अगर आपने ग्रेवल को सीमेंट प्लास्टर में चिपकाना स्टार्ट कर दिया है तो आपका सरफेस अच्छा दिखेगा, और ऐसे प्लास्टर को डिबेटर प्लास्टर को हम लोग डेकोरेटिव प्लास्टर के लिए या ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज करते हैं। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं पेबल्स डैश और ड्राई डैश फिनिश, कि पेबल्स डैश और ड्राई डैश फिनिश कैसे किया जाएगा। तो देखिएगा इस पॉइंट में माय डियर, इट इज सिमिलर टू रफ कास्ट फिनिश एक्सेप्ट क्लीन पेबल ऑफ साइज फ्रॉम 6 mm to 12.5 mm are dashed against the surface so that they are laid in position by mortar applied only। समझिएगा इस बात को माय डियर, अगर हम पेबल डैश और ड्राई डैश फिनिश की बात करें तो पेबल डैश और ड्राई डैश फिनिश में हम लोग पेबल जो होता है 6 mm से 12.5 mm का यूज करते हैं, जिसको सरफेस के लेड पोजीशन में मोटार की हेल्प से अप्लाई कर दिया जाएगा। AM सुपर सर जी, थैंक यू डियर। वीरेंद्र सर, इसे सही कैसे किया जाए जिससे सेफ्टी हो सके? किसको सही करना है वीरेंद्र? क्या हो गया आपके घर में? क्या घर आपका क्रैक कर गया है? तो बेटा आप क्या करो कि उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल डालो और वाटरप्रूफिंग केमिकल ले आओ, एडमिक्सचर ले आओ और गंटिंग करो। जहाँ पे क्रैक हुआ हो वहाँ पे गंटिंग करो। गंटिंग करने से क्रैक आपका सही हो जाएगा, फील हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। देखिएगा स्मूथ कास्ट फिनिश, स्मूथ कास्ट फिनिश कैसे करेंगे? तो देखिएगा दिस फिनिश इज जस्ट सिमिलर टू सैंड फेस्ट फिनिश एक्सेप्ट फाइन ग्रेन्ड सैंड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोर्स सैंड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइन ग्रेन सैंड का यूज कर रहे हैं कोर्स सैंड की जगह पे, और इसमें किसी भी प्रकार का स्पंजिंग एक्सपोज सैंड ग्रेन यूज नहीं किया जाएगा। और ये कहाँ पे किया जाएगा? ये प्लास्टर कहाँ पे होता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटरनल वॉल के लिए करते हैं। दिस इज डन फॉर इंटरनल वॉल। चलिए माय डियर, अब हम लोग पॉइंटिंग देखते हैं कि पॉइंटिंग किसे कहते हैं। अब हम लोग पॉइंटिंग देखेंगे कि पॉइंटिंग किसे कहते हैं। तो पॉइंटिंग में देखिएगा, नोट करिएगा इस पॉइंट को। The term pointing is used to denote the finishing of mortar joint of either stone masonry or brick masonry। आप पहले पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। जब हम स्टोन मेसनरी करते हैं या ब्रिक मेसनरी करते हैं तो जो उनके हॉरिजेंटल और वर्टिकल ज्वाइंट होते हैं उस ज्वाइंट को फिनिश करने का टर्म पॉइंटिंग कहलाता है। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट नोट करिएगा, द ज्वाइंट्स आर रैक्ड आउट ए डेप्थ अबाउट 20 mm एंड देम। जो ज्वाइंट आप फील कर रहे हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इनके डेप्थ की वैल्यू, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट को फिनिश नहीं करेंगे माय डियर, इनमें एक डेप्थ बनाया जाएगा। उस डेप्थ का मान 20 mm होगा। क्लियर है? अगले पॉइंट को नोट करिएगा, दीज स्पेसेस आर फिल्ड अप बाय सुटेबल मोटार इन डिजायर्ड शेप। वीरेंद्र, आर यू फ्रॉम द इंजीनियर्स? तो आप उड़ीसा का एग्जाम क्यों दे रहे हो माय डियर? उड़ीसा क्यों जा रहे हो? चलिए, अब मैं बात कर रहा था कि जो आपने 20 mm का ग्रुप छोड़ा है उसमें आप फिनिशिंग मोटार से आप उसको फिनिश कर दो। देन क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, इट इज डिजायरेबल टू अवॉइड द पॉइंटिंग एज फार एज पॉसिबल, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट पॉइंटिंग इन्वॉल्व्स रैकिंग आउट ऑफ ज्वाइंट विच आर constructed with good mortar and filling the joints with mortar, which in many cases does not sufficiently watered for the reason the pointing work of new structure should follow the masonry work in progress. The joints are thus racked out when the mortar has not set. डियर, आपके लोकल एरिया में भी तो एनआईटी और आईआईटी के कॉलेज हैं, तो इतना दूर कुछ समझ में नहीं आया। चलिए जो भी हो, तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं पॉइंटिंग के बारे में बात कर रहा था। तो पॉइंटिंग वर्क जो होगा, हम लोग किसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेसनरी जॉइंट को मोटार से फिल करेंगे और जो ये डेप्थ होगा 20 mm का, इसको हम लोग पॉइंटिंग के टर्म में डिनोट करेंगे। आप देखिएगा, इसी में कुछ और पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा। मेथड ऑफ पॉइंटिंग, पॉइंटिंग कैसे करते हैं। द मोटार ऑफ द मेसनरी जॉइंट to be covered by pointing is racked out least to a depth of. चलिए ओके, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट्स आ रहे हैं बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए, ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, द डस्ट फ्रॉम द मेसनरी ज्वाइंट इज रिमूव्ड बाय द ब्रशेस। जो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ज्वाइंट मेसनरी के हैं, उनमें जो डस्ट पार्टिकल हैं, आप डस्ट पार्टिकल को सबसे पहले ब्रश की हेल्प से रिमूव कर दो ताकि आपका मोटार की बाइंडिंग अच्छी हो। इसके बाद क्या करना है माय डियर, इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, द सरफेस इज देन वॉश्ड विथ क्लीन वाटर एंड इट इज केप्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट। अब इस सरफेस को हम लोग क्लीन वाटर से वॉश करेंगे और कुछ मिनट के लिए वेट कंडीशन में, गीली अवस्था में ही छोड़ देंगे। चलिए, अब अगले पॉइंट में क्या करने वाले हैं, द मोटार इज देन केयरफुली प्लेस्ड इन डिजायर्ड शेप इन दिस प्रिपेयर्ड जॉइंट्स। द मोटार इज प्लेस्ड बाय ए स्मॉल ट्रॉवेल and it is slightly pressed to bring it into close contact with the old interior mortar of the joint. अब हम जो मोटार बनाए हैं उस मोटार को इस horizontal और vertical joint में धीरे से प्रेस करेंगे ताकि जो हमारा पिछला मोटार का joint है उस मोटार के joint से इस मोटार का joint bond कर जाए। चलिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। द फिनिशिंग सरफेस is well watered for a period of at least 3 days. If lime mortar is used and 10 days if cement mortar is used. अब हम क्या करेंगे, अगर हमने सीमेंट मोटार यूज किया है पॉइंटिंग के लिए तो 3 डेज की क्यूरिंग की जाएगी, और अगर हमने लाइम मोटार यूज किया है पॉइंटिंग के लिए तो 10 डेज की क्यूरिंग की जाएगी। तो अगर आपने सीमेंट मोटार यूज किया है तो क्यूरिंग पीरियड पॉइंटिंग वर्क में 3 डेज का होगा, और अगर आपने लाइम मोटार यूज किया है तो क्यूरिंग पीरियड पॉइंटिंग वर्क में 10 डेज का होगा। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पॉइंटिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग, तो देखिएगा माय डियर पॉइंटिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। मैं सबसे पहले बेडेड पॉइंटिंग की बात करूंगा। अब ये बेडेड पॉइंटिंग क्या होता है? अब देखिएगा बेडेड पॉइंटिंग पे डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए अब बेडेड पॉइंटिंग में देखिएगा क्या पॉइंट है। फॉर्म्ड बाय स्टील और आयरन रॉड विथ ए कनकेव एज, तो इसको हम लोग स्टील रॉड या आयरन रॉड के हेल्प से बनाते हैं और ये कनकेव एज में बनाया जाएगा। गिव्स फूड अपीयरेंस बट लायबल टू डैमेज इजली, इनका अपीयरेंस अच्छा होगा माय डियर लेकिन इनके डैमेज का चांस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे फ्लश पॉइंटिंग का, कि फ्लश पॉइंटिंग कैसे करेंगे। देखिएगा फ्लश पॉइंटिंग, द पॉइंटिंग में बी लेबल एज इन फ्लश पॉइंटिंग विच इज मेड बाई वाइपिंग ओवर द फिनिश्ड पॉइंटिंग विथ द ट्रॉवल और पीस ऑफ रफ क्लॉथ। हम लोग इस पॉइंटिंग मेथड में फ्लश फिनिश करते हैं और या तो क्लॉथ के टुकड़े का यूज करते हैं या ट्रॉवेल के हेल्प से ज्वाइंट को फील किया जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कस्ड अबाउट फ्लश पॉइंटिंग डज नॉट गिव गुड अपीयरेंस बट इट इज ड्यूरेबल एज इट इज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेस फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट वाटर इट्स। इनका अपीयरेंस तो उतना अच्छा नहीं होगा लेकिन इस पॉइंटिंग मेथड में किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं दिया जाता है जिसकी वजह से डस्ट और वाटर पेनिट्रेशन एंटर पॉइंट ब्लॉक हो जाते हैं और इसमें स्ट्रक्चर सेफ रहता है। अगले पॉइंट की ओर मूव करेंगे। इसी प्रकार से रिसीज्ड पॉइंटिंग है, ये मैंने आपको दिखाया है, आप लोग वीडियो डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा एक बार। और ये रब्ड और की आर ग्रूव्ड पॉइंटिंग है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि वैसे ही सिमिलर पॉइंट्स हैं, कुछ इनमें चेंजेस हुआ है। स्टक पॉइंटिंग है और ये टक पॉइंटिंग है, वी पॉइंटिंग है एंड दिस इज वेदर्ड पॉइंटिंग है। ये मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए हैं। ये हमारा फ्लश पॉइंटिंग था, ये रिसीज्ड पॉइंटिंग था, एक की पॉइंटिंग था, वेदर्ड पॉइंटिंग है, ये वी पॉइंटिंग है, स्ट्रक पॉइंटिंग है और ये टक पॉइंटिंग है। चलिए अब अगले पॉइंट की बात करेंगे। अब हम लोग नोट करेंगे डिफेक्ट इन प्लास्टर, कि प्लास्टर में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। चलिए बात करेंगे डिफेक्ट इन प्लास्टर, कि प्लास्टर में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। और इसी सीक्वेंस में हम पहला पॉइंट जो नोट करेंगे, ब्लिस्टरिंग ऑफ प्लास्टर सरफेस। जो प्लास्टर पे छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं, ये प्लास्टर पे छोटे छोटे छाले क्यों पड़ते हैं, इन्हीं पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एम। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लास और अच्छा लगेगा जब हमारा पेन टैब आ जाएगा। डियर अभी पेन टैब नहीं है, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कोरोना वायरस की वजह से पेन टैब नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से अभी आपको सिर्फ पीपीटी पर पढ़ाना पड़ रहा है। तो पीपीटी पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ही हो पाता है। जैसे ही पेन टैब आएगा माय डियर, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल स्टार्ट कराऊंगा और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्लास में। चलिए तो हम बात कर रहे थे डिफेक्ट इन प्लास्टर में, और पहला डिफेक्ट पर मैं डिस्कशन कर रहा था, दिस इज नोन एज ब्लिस्टरिंग ऑफ प्लास्टर सरफेस, कि किसी प्लास्टर सरफेस पर ब्लिस्टर छोटे छोटे छाले क्यों पड़ते हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगा। देखिएगा पॉइंट नोट करिएगा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पैचेज ऑफ प्लास्टर स्वेलिंग out beyond the plastered surface arising out of late slacking of lime particles in the plaster। अगर आपके प्लास्टर में किसी भी प्रकार के लाइम के पार्टिकल होंगे माय डियर, लाइम का पार्टिकल होगा तो प्लास्टर करने के बाद सरफेस पर छोटे छोटे ब्लिस्टर छाले नजर आएंगे, जिसे हम ब्लिस्टरिंग ऑफ प्लास्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसी सीक्वेंस में हम लोग क्रैकिंग देखते हैं, कि प्लास्टर में क्रैक क्यों होता है, प्लास्टर क्रैक कैसे करता है। पॉइंट नोट करेंगे, इम्परफेक्ट प्रिपरेशन ऑफ बैकग्राउंड। मैं किसकी बात कर रहा था, जिस सरफेस पर आपको प्लास्टर करना है, अगर उसको आपने नीट, क्लीन और मॉइस्चर्ड नहीं किया है तो क्रैकिंग के चांस हो सकते हैं। अब इसी में देखिएगा दूसरा, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन बिल्डिंग। अगर आपकी बिल्डिंग में किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया तो भी आपका प्लास्टर क्रैक कर जाएगा। इसी में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट को, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सरफेस। मतलब क्या है कि जिस सरफेस पर प्लास्टर आपने स्टार्ट किया है उसमें आपने डिसकंटिन्यूटी रखा है, जहाँ पे ज्वाइंट छोड़ना था वहाँ पे अगर आपने ज्वाइंट नहीं छोड़ा तो भी क्रैकिंग के चांसेस होते हैं। इसी प्रकार से मूवमेंट इन द बैकग्राउंड ड्यू टू इट्स थर्मल एक्सपेंशन और रैपिड ड्राइंग। आप समझिएगा इस बात को माय डियर, अगर आपके बैकग्राउंड में थर्मल एक्सपेंशन का मान बढ़ जाए तो भी क्रैक का चांस होगा। अब ये बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड का मतलब जिस सरफेस पर आपने प्लास्टरिंग किया है उस सरफेस का थर्मल एक्सपेंशन इंक्रीज कर जाए तो वहाँ पर क्रैक ऑकर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, मोमेंट्स इन द प्लास्टर सरफेस इटसेल्फ आइदर ड्यू टू एक्सपेंशन और श्रिंकेज। अगर आपके प्लास्टर सरफेस पर एक्सपेंशन हो या श्रिंकेज हो, मतलब आपका प्लास्टर सरफेस वॉल्यूम में प्लस हो या वॉल्यूम में माइनस हो, तो वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस के दौरान भी आपकी सरफेस में क्रैक ऑकर होगा। इसी प्रकार से इस पॉइंट को नोट करिएगा, एक्सेसिव श्रिंकेज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द थिक कोट। अगर आपके सरफेस में जिस सरफेस पर प्लास्टर किया है उसमें श्रिंकेज का मान ज़्यादा हो जाए या अगर आपने बहुत मोटा प्लास्टर कर दिया है तो भी क्रैक के चांसेस होते हैं। इसके अलावा फॉल्टी वर्कमैनशिप, मतलब जिस मेसन ने प्लास्टर किया है उस मेसन ने प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं किया तो भी आपके प्लास्टर में क्रैक ऑकर हो सकता है। तो ये हमारे डिफेक्ट इन प्लास्टर में क्रैकिंग के टर्म्स एंड कंडीशन थे। इसी में अगले पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे और अगला पॉइंट देखते हैं डिफेक्ट इन प्लास्टर में इन्फ्लोरेसेंस को। इन्फ्लोरेसेंस डिफेक्ट देखते हैं हम लोग कि इन्फ्लोरेसेंस का डिफेक्ट क्यों होता है। अब चलिएगा इन्फ्लोरेसेंस नोट करते हैं। इट इज द वाइटिश क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच अपीयर्स ऑन द सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स इन अ पेयर मेकिंग मटेरियल एज वेल एज बिल्डिंग लाइक ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, ईट्स एंड इवन वाटर। किसी भी प्लास्टर में इन्फ्लोरेसेंस क्रिएट हो सकता है। पहले तो आप समझ लो कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है माय डियर। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि प्लास्टर और सरफेस के बीच में जो बॉन्ड बना है वो खत्म हो जाएगा, प्लास्टर बल्क करेगा और अपने वॉल्यूम को बढ़ा लेगा। तो ये क्यों होता है? वाइट कलर का पैच्ड पाउडर जम जाएगा प्लास्टर के सरफेस पर। यह हो सकता है आपके जिस मोर्टार में आपने जो वाटर यूज किया है उसमें साल्ट था, अल्कलिनिटी थी, या जिस सीमेंट को यूज किया है उसमें अल्कलाइज हो, या वेदर में अल्कलिनिटी का मान ज़्यादा हो, तो इन्फ्लोरेसेंस क्रिएट हो सकता है। तो दिस इज अ डिफेक्ट ऑफ प्लास्टर ड्यू टू इन्फ्लोरेसेंस। अगले पॉइंट को नोट करेंगे तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? दिस गिव्स ए वेरी बैड अपीयरेंस, इट अफेक्ट the adhesion of paint with wall surface। तो इन्फ्लोरेसेंस के कारण किसी भी प्लास्टर्ड वॉल का अपीयरेंस खराब दिखता है और ऐसे सरफेस में एडहेशन की भी प्रॉपर्टी पेंट लगाते समय कम हो जाती है। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इनफ्लोरेसेंस कैन बी रिमूव्ड टू सम एक्सटेंट बाय ड्राइंग बुशिंग एंड वॉशिंग द सरफेस रिपीटेडली। इनफ्लोरेसेंस खत्म किया जा सकता है अगर आप सरफेस को ब्रश से या बार बार धोकर उसके ऊपर इम्प्योरिटीज को खत्म कर दो तो। अब अगले पॉइंट को नोट करेंगे और ये हमारा एक और डिफेक्ट है दिस इज नोन एज फ्लैकिंग। फ्लैकिंग क्या होता है माय डियर? फ्लैकिंग हम लोग देखते हैं तो पॉइंट नोट करिएगा इट इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लूज मास ऑफ प्लास्टर्ड सरफेस ड्यू टू पुअर बॉन्ड बिटवीन सक्सेसिव कोट्स। तो किसी भी सरफेस पर जो लूज मास प्लास्टर का होता है एक पुअर बॉन्ड की वजह से बिटवीन सरफेस एंड मोटार दिस इज नोन एज फ्लैकिंग। इसी प्रकार से पीलिंग एक डिफेक्ट होता है और अगर मैं पीलिंग की बात करूं तो it is the complete dislocation of some portion of plastered surface resulting in the formation of a patch. This also result from imperfect bond. तो कहने का मतलब peeling एक ऐसा defect है my dear जो किसी भी surface को डिस्क्लोजन कर देता है, अलग कर देता है मोटार और सरफेस को और एक सेपरेशन क्रिएट करता है। यह भी सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर या इम्परफेक्ट बॉन्ड के कारण होता है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉन्ड इम्परफेक्ट है तो आपके वॉल में प्लास्टरिंग में पीलिंग ऑकर हो सकता है। इसी प्रकार से पॉपिंग है। अगर मैं पॉपिंग की बात करूंगा माय डियर तो इसमें क्या होगा इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोनिकल होल इन द प्लास्टर्ड सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम पार्टिकल विच एक्सपेंड ऑन सेटिंग। तो देखिएगा पॉपिंग क्या है, पॉपिंग में कोनिकल होल बन जाते हैं प्लास्टर सरफेस पर, कोनिकल होल बन जाते हैं और ये किसकी वजह से बनते हैं प्रेजेंस ऑफ सम पार्टिकल विच एक्सपेंड ऑन सेटिंग की वजह से। अब देखिएगा रस्ट स्टेन्स हो सकता है। अब ये रस्ट स्टेन क्यों होता है? दीज आर समटाइम्स formed when plaster is applied on metal layers. अगर कोई भी प्लास्टर मेटल सरफेस पर अप्लाई किया गया है, मेटल लैथ्स पर अप्लाई किया गया है तो वहाँ पे रस्ट स्टेन्स हो सकता है। इसी प्रकार से अनइवन सरफेस हो सकता है। अब ये अनइवन सरफेस किसकी वजह से हो सकता है माय डियर? दिस इज ऑब्टेन्ड प्योरली ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप। तो अनइवन सरफेस के लिए कोई और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, सिर्फ जो मेसन वर्क कर रहा है प्लास्टर पर उसकी क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उसने कितने अच्छे से वॉल का लेवल मेंटेन किया है, प्लास्टरिंग का लेवल मेंटेन किया है, स्प्रिट और फंडी का यूज कितने अच्छे से किया है। अगर उसने इन सब सारी चीज़ों को मेंटेन किया है तो आपका सरफेस अनइवन नहीं होगा। तो दिस इज अ डिफेक्ट इन प्लास्टर। आई होप माय डियर आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें बहुत सारे आपको हेल्पफुल मटेरियल मिले होंगे। अगला जो हमारा सेशन होगा ये हम लोग 1 PM से स्टार्ट करेंगे, 1 बजे से आफ्टर 2 आवर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे। ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एडवांस बीएमसी और बेसिक बीएमसी के हैं। तो जो आफ्टरनून वाली क्लास होगी उसमें हम लोग ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेंड करने वाले हैं। आई होप वीडियो आप लोगों ने वॉच किया होगा। अगर आपकी प्रीवियस क्लासेज मिस हुई हैं माय डियर, तो आप प्रीवियस वीडियो मेरे बीएमसी के डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपने डाउट्स और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इवन माय डियर, अगर किसी भी स्टूडेंट को अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो। मेरा प्रोमो कोड है ANJANI। इस प्रोमो कोड को यूज करने पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। सो लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।